सुबचन रवि करनि करे मुदु मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजु जो जग जंगम तीरथ राजु संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान गुरु वैद्य ज्योतिषी देव मित्र बड़े राज इन्हें भेंट बिन जो मिले वो इन पूर्ण काज साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधु समागमा तुझ में बसे फर्क यही मैं नर हूँ आप नारायण हो बंधन में संसार तुम्हारे चरणों में मैं हूँ संसार के बंधन में संसार तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों भगवान तुम्हारे सब गाइए मधुर मधुर तालियों देव तुम्हारे चरण मुस्करा कर गाइए भगवान तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे यदि जग में रहूं कैसे रहना है संसार में गुलाब बनकर नहीं जल में कबूल के कांटे बनकर नहीं गुड़हल बनकर नहीं कमल के फूल सब गुण दोष समर्पित हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गुरुदेव तुम्हारे
यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल, कमल का फूल। यदि जग में रहूं तो जूही और बेला जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अब गुण मुझ में हजार हैं तू सदगुण की खान, शरण आए की लाज रखो हे सदगुरु भगवान। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों, अब गाइए राम खलावन जी इस जीवन का सब भार तुम्हारे, राम जस हरि शंकर उमा शंकर छोटे लाल मुस्कुरी वाले गाइए, चरणों में है हार तुम्हारे चरणों में है जीत तुम्हारे, चरणों में है हार तुम्हारे, मंदिर बनने जा रहा है इसलिए लोग खुश बहुत हैं, ज्यादा जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो गुरु चरणों का पुजारी, यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो गुरु चरणों का पुजारी, पूजक के हर एक रग रग का हो तार तुम्हारे चरणों में, पूजक के हर एक रग रग का हो तार तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, राय सिंहपुर भगवान राम की मांग है तुम्हारे ऐसे गीत में, चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में है संत तुम्हारे चरणों, बोलिए सदगुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सदगुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीर्वाद लेकर हिंदुस्तान की अवतार भूमि उत्तर प्रदेश, जहां पर राम कृष्ण बुद्ध कबीर तुलसी ने अवतार लिया था, ऐसी पावन धरा
डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, जहां सदगुरु विशाल देव ने धर्म की ध्वजा फहराई थी। ग्राम खरियानी, जहां पर डॉक्टर विनोद का जन्म हुआ। धन्य है उनके माता पिता जिन्होंने ऐसे सुंदर बालक को जन्म दिया, जिनके मन में अगाध श्रद्धा का जन्म हुआ है। उनकी मां रामरती देवी, पिता श्री गया प्रसाद यादव, उनकी पत्नी श्रीमती रामावती देवी, भाई श्रवण कुमार, यथा नाम तथा गुण। दूसरा भाई दिनेश कुमार यादव, बेटा राहुल, बाकी सब बेटियां ही बेटियां हैं। और भतीजा श्री राजेश कुमार, होलसेल मेडिकल के डिस्ट्रीब्यूटर, आशा पब्लिक स्कूल और चिकित्सा के क्षेत्र में समाज को सेवा प्रदान कर रहे हैं निंदूरा में। इस क्षेत्र में प्रथम बार उनके माध्यम से मुझे आने का शुभ अवसर मिला है। उपस्थित समस्त महानुभावों, श्रोता बंधुओं, माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी खुशी की बात है। व्यासगादी के सम्मुख अति सुंदर मंडप लगा हुआ है। पूड़ी सब्जी खीर का प्रबंध सभी के लिए बृहद रूप से किया गया है। मैं देख चुका हूं, पूड़ी सब्जी खीर पे मंत्र भी पढ़ दिया हूं, जो ज्यादा खाएगा वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि मंत्र है, पेट में गड़बड़ कर सकता है। जो नहीं खाएगा वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि मन में गड़बड़ हो सकता है। और जो कम खाएगा वो सबसे ठीक है, फिर कहीं गड़बड़ नहीं होगा। वाराणसी से पधारे हुए हमारे भक्त श्री बालता प्रसाद जी, ट्यूबवेल ऑपरेटर, ताली बजाकर सम्मान। बाराबंकी मुख्य आयोजक श्री राजेश कुमार, खड़े हो, इनायतपुर, गांव का नाम सही बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत किया था। आप फैक्ट्री मैनेजर हैं, आपका भाई बीटेक इंजीनियर है। बहुत बड़ा प्रोग्राम 2 साल पहले किया था, धन्यवाद। बैठो। मुसपिपरी गांव के हमारे सभी भक्त श्री पुत्तीलाल जी, खड़े हो जाओ, जिसका नाम लो, कजोदर प्रसाद जी, हरिशंकर जी, उमा शंकर जी, छोटे लाल जी, रामविलास जी, और जो भी मुसपिपरी के हों, इन्होंने 2-3 बार बहुत बड़ा समागम करवाया है। ताली बजाकर सम्मान। 20 लोग आज मुसपिपरी से आए हैं। बैठो। आजमगढ़ के परम भक्त श्री उदयराज यादव जी, एडवोकेट, वकील साहब, बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, गुरुदेव के बहुत बड़े भक्त हैं, पत्नी और बच्चों के साथ में आए हुए हैं, सुदामा की कुटिया में रहते हैं।
धर्म बहुत है, धन थोड़ा कम है, वो भी गुरुदेव की कृपा होगी तो हो जाएगा आशीर्वाद। बहुत बड़ा प्रोग्राम आजमगढ़ में अपनी जन्मभूमि पर मई महीने में करा चुके हैं, धन्यवाद है। बैठिए, देखो मैं बताता हूँ कहाँ दूर दूर से कितने स्रोत आए। उन्नाव जिले से हमारे परम भक्त खड़े हो जाए, देखो ये उन्नाव जिले से आई, उन्नाव जिला। बैठिए, सतना जिला मध्य प्रदेश से परम भक्त श्री खड़े हो जाए, ये देखो सतना मध्य प्रदेश। मुसपिपरी से राम खेलावन जी खड़े हो जाए, धन्यवाद, बहुत बड़ी श्रद्धा। सिमरी से अभय सिंह, अखिलेश सिंह और मास्टर साहब राम खड़े, ये सब सिमरी गांव पास, धन्यवाद। आज इनके गांव गया था मैं, बहुत स्वागत सम्मान किया, दही बड़ा, फुलौरी बड़ा, फिर फुलौरी, फिर खाली बड़ा, फिर पकौड़ी, फिर टमाटर की चटनी, जितना माल छको बेहोश हो जाओ। बैठिए, बहुत खिलाया। खेरा से हमारे आयोजक भक्त, जहाँ कई बार प्रोग्राम हो चुका है, राजीव कुमार शिक्षक, राम सागर सेठ, दोनों बीच में मूर्ति खड़े हैं, ताली बजा। भक्त श्री राम नारायण जी के पुत्र हैं, बहुत बड़ी श्रद्धा से समागम करते हैं। और सलोनी से हमारे भक्त आए हैं, खड़े हो जाओ सलोनी वाले, सिद्धौर के पास से प्रोग्राम लेने की इच्छा से आए हैं कि हमको भी प्रोग्राम मिलना चाहिए, बहुत श्रद्धा है। रामचंद्र जी, जितेंद्र जी, मंजू देवी, आप बाराबंकी से, गुठिला, गुठिला गांव है, कौन है, हैं? हैं? गुठिया, गुठिया है, ये सबको गुठिया ही लेते हैं। ये भी एक मिनी सत्संग करा चुके हैं, फिर से इनकी मांग है कि हमारे यहाँ प्रोग्राम दिया जाए, धन्यवाद, ताली बजा दिया। विभिन्न गांवों से भक्तों का आगमन हुआ है, निंदूरा के बहुत से भक्त पधारे हुए हैं, निंदूरा वाले खड़े हो जाए, निंदूरा, ताली बजा दो, ये निंदू, जय हो। बैठो, नारायणपुर से राजपूत परिवार, उदयभान सिंह, अवधेश सिंह, सत्यभान सिंह, अवध प्रताप सिंह, ये परिवार नारायणपुर से आया है, यदि पहुंच गए हों तो खड़े हों। कल मैं उनके गांव गया था, बहुत सेवा किया था, ताली बजाता हूं। भारत देश की सबसे प्रसिद्ध भक्ति में महिला के रूप में बैठी हुई मास्टराइन सुशीला देवी महमूदाबाद खड़ी हो जाए, 10 बार प्रोग्राम करा चुकी है और 20 बार पधरौनी करा चुकी है। इनके पति जो प्रिंसिपल थे, कवि थे, जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, वो इनके पति जी ने रचना करके आरती बनाया है, इनके पति जी ने। ऐसे व्यक्ति की पत्नी हैं जो बहुत विद्वान थे, आज उनका शरीर नहीं है पर ये उनकी याद में, मैंने इनका नाम लिया तो इन्होंने कहा मेरा नाम मत लो, मुझे मास्टराइन कहा करो, ताकि मेरे मास्टर की भी याद रहनी चाहिए। अब मैं उनको मास्टराइन ही बोलने लगा, बहुत श्रद्धा। बैठिए, और सभी माताएं बहनें सराहना की पात्र हैं। आशा पब्लिक स्कूल में आज हम
आधे घंटे के लिए पहुँचे। काफ़ी लोग एकत्र हुए। स्कूल का माहौल प्रांगण देखकर प्रसन्नता हुई। लड्डू का प्रसाद बटा। 2 मिनट सत्संग हुआ। बहनों ने स्वागत गीत गाया तो मैंने उनसे कहा यहाँ भी गा दो। वहाँ तो पूरा गा नहीं पाया था, अधूरा रह गया जल्दबाजी में। इधर गाया, गाती थी और शर्माती थी, मुस्कराती थी फिर गाती थी। तो ऐसा प्रेम से गाया। उस स्कूल का मैनेजमेंट सुश्री कुमारी शिखा, सही बोल रहा हूँ, शिखा यादव कर रही है। श्रवण कुमार जी उसका मैनेजमेंट देखते हैं। और मुझे लगता है डॉक्टर विनोद का भी कारोबार बहुत लंबा चौड़ा है। और मैं तो आशीर्वाद देता हूँ कि और इसके 10 गुना इनका कारोबार बढ़े, ताकि बार बार हमको बुला सकें। जिसका कारोबार सही है वही बार बार बुलाता है, जिसका कारोबार बिगड़ गया वो बार बार नहीं बुला सकता। गुरुजी को बार बार बुलाने के लिए कारोबार ठीक करना पड़ेगा। समस्त उपस्थित श्रोताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं शुभारंभ करूँ। आज गुलाबपुर गांव से हमारे भक्त श्री मैकूलाल जी पेड़ा लाए थे। उनके साथ रामदास जी भी पेड़ा लाए। खड़े हो मैकूलाल रामदास, छोटे छोटे पेड़ा, मीडियम साइज के। तो मैं उसको बांटना शुरू किया यहाँ, तो पेड़ा ख़त्म होने लगा। तो मैं सोचा अब क्या बांटूँगा। तो ज्यों ही ख़त्म होने लगा तो दूसरा फिर कोई पेड़ा ले आया। तो वो ख़त्म होने लगा तो तीसरा कोई पेड़ा ले आया। पेड़ा ख़त्म ही नहीं हुआ, भीड़ ख़त्म हो गई। और जितने लोग आए सबको पेड़ा खिलाया मैंने। अपने हाथ से पेड़ा बहुत दिन बाद बांटा हूँ यहाँ पर। एक कोई माता जी लड्डू लाई थी, लड्डू भी बांट दिया। प्रसाद गुरु के चरणों में भेंट हो जाए और गुरु की दृष्टि पड़ जाए। देखिए गुरु जी खा लें अच्छी बात, ना खाएं अपनी दृष्टि से देख लें और देख करके अपने भक्तों को बांट दें, तो तुम्हारा प्रसाद फिर महाप्रसाद बन जाता है, महाप्रसाद। इसलिए गुरु के पास आया करो तो थोड़ा छोटे छोटे लड्डू भी लाया करो, ताकि गुरु जी बांटे खूब। थोड़ा पेड़ा भी लाया करो, गुरु जी वितरण करें, तुम्हारा पुण्य हो जाएगा। लेकिन सभी लोग पेड़ा ही पेड़ा मत ले आना, कुछ थोड़ा ऐसा भी लाना जो हम भी खा सके। अब तुम पूछोगे कि आप क्या खाते हो, तो मैं क्या खाता हूँ, सेब फल, पपीता फल, अनन्नास फल, संतरा फल, मौसमी फल और भुना हुआ चना और मुनक्का, अखरोट और बादाम। एक बादाम शाम को भिगोता हूँ, सुबह खाता हूँ, उससे माइंड तेज रहता है। एक अखरोट सुबह भिगोता हूँ, सुबह खाता हूँ, उससे खून का सर्कुलेशन ठीक रहता है। एक छुहारा सुबह खाता हूँ तो किसी प्रकार की ठंडी का प्रकोप शरीर में नहीं होता। एक छुहारा, 2 खा लोगे गर्म करेगा, 2 नहीं खाना है। एक 5-6 किशमिश खाता हूँ ताकि शरीर में कोई गर्मी हो उसको ख़त्म कर दे, ग्लूकोज देते। और मुनक्का खाता हूँ ताकि पेट को साफ भी करे। और ताल मखाना खाता हूँ ताकि तालाब में जाना ना पड़े। ताल मखाना 2-3 खा लेता हूँ, थोड़े थोड़ा। कभी कभी वो मूंग की दाल का जो होता है ना, नमकीन मूंग दाल वाला, उसको थोड़ा। चना चबाता हूँ मुट्ठी भर, उस शाम को चबाता हूँ मुट्ठी भर चना। और 1 गिलास दूध आता है तो लाता है, उसको पिलाता हूँ 1 हिस्सा, और जो साथ में खड़ा रहता साधु उसको 1 हिस्सा, और थोड़ा मैं पी लेता हूँ, नहीं तो वो नज़र मार दे तो मैं बीमार हो जाऊँ।
उसको भी खिलाता। थोड़ी सी मूली सुबह खाता, थोड़ी सी, थोड़ी गाजर खाता, थोड़ा टमाटर कटिंग करके नमक डालकर खाता, दो तीन पीस। ये इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ तुम सब मेरे लिए टमाटर कटिंग करके लाओगे, नहीं, इसलिए बता रहा हूँ कि तुम भी ऐसा खाया करो थोड़ा थोड़ा, ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपकी बुद्धि कुशाग्र रहे। इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। एकदम मुट्ठी भर किशमिश खा लोगे तो बीमार हो जाओगे। सिर्फ एक काजू खाता हूँ सुबह, बस दो खाओगे फैट बढ़ा देगा और एक खाओगे तेजी पकड़ा देगा। इसलिए जब मैं चलता हूँ तो दौड़ के चलता हूँ, दौड़ के। सब पिछड़ जाते हैं, साधु भी पिछड़ गया, भगत भी पिछड़ गया, हम अकेले जा रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, क्या हो रहा गुरु जी को, इतनी उम्र में कैसे दौड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वो भुना हुआ चना दौड़ा रहा। चने की शक्ति पहचानो। अब मुझे इजाजत दो कि मैं सत्संग का शुभारंभ करूं। अब तुम सीख गई, ट्रेंड हो गए, थोड़ा मुस्करा देते हो, ताली बजा देते हो, इजाजत। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में कौन सा रस मनुष्य के जीवन को नीरस होने से बचाता है और दुनिया में जितने रस हैं उनमें श्रेष्ठ रस कौन सा है और मनुष्य को कौन सा रस पीना चाहिए और ऐसा कौन सा रस है जो तुमको सोबस कर देता है, तुम्हें परवस होने से बचा लेता है। कबीर कहते हैं राम रस सबसे श्रेष्ठ रस है। को राम रसिक रस पिए होगे जुग जिए होगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कोई राम रस पिएगा और जो पिएगा वो युगों युगों तक जिएगा। मीरा ने राम रस पिया, सिबरी ने राम रस पिया, कबीर ने राम रस पिया, तुलसी ने राम रस पिया। आज शरीर से तो नहीं है हमारे आपके बीच में, लेकिन अपने गुणों से, अपने प्रभाव से करोड़ों दिलों में वो जिंदा हैं, अमर हैं, क्योंकि उन्होंने राम रस पिया था। तुम भी राम रस पियो। और इस दुनिया में रस बहुत है और रसिक भी बहुत है। कोई बीड़ी का रसिक है, बीड़ी ना मिले तो दिमाग गर्म हो जाता है। कोई चाय का रसिक है, टाइम पर चाय ना मिले तो खोपड़ी खोल जाती है। और कोई शराब का रसिक है, जमीन बेच बेच कर शराब पी रहा है। कोई जुआ का रसिक है, अपनी पत्नी के जेवर बेच कर जुआ खेल रहा है।
कोई ताश का रसिक है, कागज के पत्ते एक दूसरे पर फेंक रहा है, बेगम के ऊपर बादशाह को फेंक रहा है, कभी इक्का पर दुक्का, कभी दुक्का पर छक्का, कभी पीठ पर मुक्का, कौन लगाए इसको धक्का, ताश का रसिक है। 60 साल की उम्र के लोग ताश खेल रहे, 3-3 घंटे बैठे हुए कागज के पत्ते फेंक रहे, बड़े बेशरम हैं लोग, सड़क किनारे बैठे हैं लोग, इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है, नंगा नाच कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, खीसे काढ़ रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को गलत संस्कार संदेश दे रहे हैं। ऐसे बूढ़ों को बूढ़ा नहीं कहा जा सकता है, ऐसे लोग बूढ़े होने के बावजूद भी अभी इनका बचपना गया नहीं है, इनका बचपना ही चल रहा है, लड़कपना है। कोई सिगरेट का रसिक है, कोई पान खाने का रसिक है, पान खाकर दीवाल पर थूकने का इरादा है, जब थूकता है तो कहता है कि होली है होली है, लाल रंग डाला हो, मेरा मुंह पिचकारी है, होली है होली है। बहुत पागल लोग हैं। कोई मांस मछली अंडा मुर्गा का रसिक है, इतने गंदे मुर्गे मार कर खा रहे, गंदी मछलियां पका कर खा रहे, बकरा रोता बहुत है फिर भी पकड़ कर जबरदस्ती गर्दन काट रहे, और बकरा मन में सोचता है कि काट लो मार लो खा लो, अगली बार तुम बकरा बनोगे और मैं इंसान बनूंगा और तुम्हारी गर्दन गड़सा से काटूंगा, चाहे जितना मैं करो तुम, तुम्हारी मैं सब निकालूंगा। जीव मत मार मारो बापुरा, सबका ये कई प्राण, बदला कबहु न छूटी है चाहे कोटिन सुनो पुराण। तुम सोच लो कि सत्यनारायण कथा सुन लूं कितना पाप करूं छुटकारा मिल जाएगा, सत्यनारायण कथा सुनना बुरा नहीं, सुनना चाहिए, इच्छा हो तो सुन लीजिए, मैं तो बहुत सुना हूं, 20 साल तक सत्यनारायण ही सुना हूं, अब खुद ही सत्यनारायण हो गया मैं। लेकिन सत्यनारायण में कथा है क्या, लीलावती कलावती और सतानंद नाम का एक वो था, लकड़हारा था, ये था, बस यही था। पंडित जी आते हैं, अगर उनको ज्यादा कथाएं करनी है तो स्पीड में सुना देते हैं, लेकिन सत्यनारायण कथा सुनो, गंगा में स्नान करो, पर जब तक तुम सत्संग की गंगा में स्नान नहीं करोगे तब तक कोई पाप ताप त्रय ताप संताप श्राप कटने वाला नहीं है। सत्संगी गंगा वास्तविक गंगा है, और इस गंगा में डुबकी लगाने से आपकी जिंदगी के दुर्गुणों का मैल दूर हो जाता है और जिंदगी नूर हो जाती है और सुख से भरपूर हो जाती है, सारी बुराइयां चकनाचूर हो जाती है। एक कुत्ता भी हां भर रहा है कि महाराज सत्य बात है, लेकिन मनुष्य रहे तब तक आपकी बात नहीं समझा। कितने कुत्ते भी सत्संग सुनने आए, एक यहाँ पे कुतिया बैठी है कुत्ता, उसको बहुत हटाया लोगों ने, हटी नहीं, पूर्व जन्म की वो सुपर्णखा होगी, अब यहाँ प्रवचन सुनने आई है, जबरदस्ती किए बैठी है, समझ में आता नहीं, वहीं लेटती भी है, अब मैंने कहा तो लेटी है, मन मन में गरियावत हुई कि तुम कहे हमरे पिंड पर।
जब तक मनुष्य जीवन रहा न सत्संग में गए न भक्ति किया न दान पुण्य किया न परोपकार किया बस रात दिन चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़ी के तिकड़म बनाते रहे। किसी ने कहा थोड़ा सत्संग में समय दीजिए, बोले टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। यदि टाइम नहीं है ये दारू पी करके सड़क किनारे कौन पड़ा है, जानवर पड़े कि मनुष्य पड़ा है, टाइम नहीं तो सड़क किनारे दारू पीकर पड़े कैसे लोग। पान पुड़िया खाने के लिए टाइम है, पिक्चर देखने के लिए टाइम है, नाच कूद देखने के लिए टाइम है, ऑर्केस्ट्रा डांस देखने के लिए टाइम है, खुराफात करने के लिए टाइम है, दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए टाइम है, प्रपंच करने के लिए टाइम है, और सत्संग सुनने के लिए टाइम नहीं है। टाइम तो बहुत है लेकिन तुम्हारे पास सद्बुद्धि नहीं है कि जिंदगी को कहाँ लगाना चाहिए। कोई गालियों का रसिक है, गाली बकता रहता है, पेड़ पौधों को भी गाली देता है, सूरज को गाली देता है कि तू क्यों इतना तपता है, बादलों को गाली देता तू क्यों इतना बरसता है, गाड़ी पंचर हो जाए तो गाड़ी को भी गाली देता है। आज बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं, स्कूल के शिक्षकों से कहूंगा इधर पूरा कंट्रोल करने के लिए जाएं। वकील साहब आप भी चले जाओ, पुलिस वाले एक चले जाओ, थोड़ा बच्चों को डपट दो, डिस्टर्ब करते ना, एकाग्रता खत्म होती है। बिल्कुल इनको कह दो फायर मार दूंगा फिर समझ लेना। हल्ला बहुत मचाते हैं, शांति से सत्संग करने नहीं देते हैं। लोग भी ऐसे मजेदार अपने अपने बच्चों को लाकर यहाँ छुट्टा छोड़ देते हैं कि कूदो फांदो हम बाबा का सत्संग सुनेंगे, उनको मालूम नहीं बाबा को सुनाने ही नहीं देंगे लोग। हल्ला मचा बाजार लगा दिया मेला, बिल्कुल शांति से बैठना चाहिए, कोई शोरगुल आनी नहीं चाहिए। कहीं से हल्ला आता है मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है, बुद्धि कट जाती है, चित्त बट जाता है, एकाग्रता हट जाती है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारी पत्रकार महोदय आए हुए ऐसे फोटो खींच रहे हैं मुस्करा कर, क्या पूछना है, धन्य हो, ऐसे हाथ कह रहे हैं फैलाइए, ये भी खिलाड़ी आदमी है, खींच लिया, बहुत अच्छे हो तुम, रिटायर हो जाओ तो साधु बनो तो खींचते रहो रोज। कोई फैशन का रसिक है, दिन रात फैशन के लिए सोचता रहता है, किस कटिंग के कपड़े पहनूं, किस कटिंग के बाल रखूं, किस एक्टिंग की चाल चलूं, किस तरह का मुंह बनाऊं। ये फैशन भी बहुत लफड़ा है, और फैशन का प्रभाव सबसे अधिक अगर किसी आत्मा पर पड़ा है तो उसका नाम लड़की है। लड़की के ऊपर फैशन बुरी तरह आक्रमण किया है, कोई बिरले लड़की बची होगी, अब सभी लड़कियां बाल इधर लटकाती है उधर लटकाती है, फिर थोड़ा बीच में काट देती है, फिर खोपड़ी के बीच में बाल फुलाकर गोलगप्पा बना देती है। मैं देखता हूँ उसको तो मैं सोचता हूँ है तो लड़की बुद्धिमान है पर अपनी पूरी बुद्धि खोपड़ी के बालों में ही लगाती है, उसी में जुटी रहती है। सब लड़कियाँ खुश है कि मैं यही करती हूँ गुरुदेव,
आशीर्वाद दो, कल से कुछ और नया करो। पर मैं कहूंगा, बालों तक तुम्हारी जिंदगी सीमित नहीं है, ये गालों तक तुम्हारी जिंदगी सीमित नहीं है, ये कटिंग के कपड़े पहनने तक जिंदगी का लिमिट नहीं है। तुमको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए इस धरती पर बेटी के रूप में आने का मौका मिला है। ये बाल और गाल और जंजाल में फंस करके आप अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पाती हो। इस फैशन के जाल से बाहर निकल जाओ और दुनिया में कुछ ऐसा कर दिखाओ जो दुनिया के लोग हजारों साल तुमको याद करें। कितने लोग नींद के रसिक हैं, उनको नींद में रस आता है, जब दांव पाते हैं सोते हैं, कोई उनको जगाता है तो छत पे जाके सो जाते हैं, और छत से उठाता है तो नीचे कमरे में सो जाते हैं, और नीचे कमरे से उठाता तो भुसौली में सो जाते हैं। भूसौलिम कौन ढूंढे, भूसा राम सो रहे, इनका नाम भूसा राम है। नींद के रसिक भी मत बनो, ज्यादा सोने से समय बर्बाद होता है, ज्यादा सोने से तुम्हारा दिमाग भी सो जाता है, वो जाग नहीं पाता है, और ज्यादा सोने से आलस्य आता है, और ज्यादा सोने से बुद्धि की कुशाग्रता कम हो जाती है, और ज्यादा सोने से तुम्हारे उन्नति करने का टाइम कम बचता है, क्योंकि आपके अधिक घंटे सोने में खर्च हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं और देवियों, कम से कम 6 घंटे सोना और ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 घंटे सोना, इससे अधिक अगर सो रहे हो तो अपनी जिंदगी के साथ में तुम अन्याय कर रहे हो। मैं रात में 3 बजे उठ करके कभी कभी पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ, पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर रहा हूँ, एमए की डिग्री तो हो ही गई है 32 साल पहले, लेकिन अभी मैं उपनिषद पढ़ता हूँ, वेद पढ़ता हूँ, कबीर का बीजक पढ़ता हूँ, रामायण भी पढ़ता हूँ, 3-3 घंटे जुटा रहता हूँ। पढ़ता नहीं हूं, उसे याद करता हूं, रटना है, दिमाग में बिठाना। मैं यहां किताब लेकर नहीं बैठता ना, किताब उताब कोई नहीं, ग्रंथ व्रंथ कुछ नहीं, ग्रंथ का ज्ञान हमारा ज्ञान नहीं, ग्रंथ खो जाए तो हम तो बुद्धू हो गए। किताब का ज्ञान वो मेरे काम नहीं आएगा, हमारा ज्ञान अंतःकरण को इतना पवित्र कीजिए जिससे कि आपके अंदर से जो शब्द निकले वो ज्ञान के शब्द बन जाएं, लोगों का कल्याण करने में मदद करें। मैं आपसे भी कहूंगा, यहां साहित्य सेंटर पर पुस्तकें बिक रही हैं, 10-5 प्रकार की पुस्तकें हैं, भजनावली है, जीने की राह है, सुख की खोज है, उन्नति के पथ है, असंग विचार माला है, भवयान है, खरीद लो सब, लेटे लेटे पढ़ा करो, बैठे बैठे पढ़ा करो, प्रवचन के मेमोरी कार्ड खरीद लो, पेन ड्राइव खरीद लो, 100-100 घंटे का प्रवचन, बिल्कुल दीवाने हो जाओ, क्या आनंद प्राप्त हो। और जो मनुष्य अधिक प्रवचन सुनता है, एक दिन वो भी प्रवचन सुनाना शुरू कर देता है, फिर उसके शब्दों में वजन आ जाता है। और मैं चाहता हूं, आप मोबाइल में प्रवचन सुनते हो गुरु जी का, कितने लोग ऐसे हैं जो मोबाइल के यूट्यूब में और टीवी चैनल में रात को 9 बजे आस्था भजन में सुने हैं, दोनों हाथ उठाकर बताइए। वेरी गुड,
लगभग सभी लोग। बस एक काम करना, रोज एक नए आदमी के मोबाइल में भी उसको सुनने का तरीका सिखा देना। एक नए आदमी को रोज जोड़। आज ये 6,000 लोग बैठे हैं, 8,000 बैठे हैं, अगर रोज आप 8-10,000 लोगों को जोड़ोगे तो एक दिन में 10,000 जुड़ेंगे। उनको भी सिखा दो कि एक आदमी को जोड़ो, वो भी एक आदमी को रोज बताए। जोड़ने का मतलब कोई हमें पार्टी नहीं बनानी, ना कोई चुनाव लड़ने का इरादा है, क्योंकि हमारा टाइम सत्संग के लिए है और राजनीति के लिए टाइम बचा भी नहीं, समय ही नहीं मेरे पास। पर मैं इसलिए जोड़ना चाहता हूँ, जो लोग शराब से जुड़े हैं, बुराइयों से जुड़े हैं, नाच कूद से जुड़े हैं, कुकर्मों से जुड़े हैं, व्यभिचार से जुड़े हैं, छल कपट अन्याय से जुड़े हुए हैं, वहाँ से वे टूट जाएं और गुरुदेव के चरणों में जुड़ जाएं, ताकि उनकी जिंदगी में सुख शांति आए। कितने लोग जुड़ जाएंगे? और फिर यूट्यूब में 13 करोड़ लोग सुन रहे हैं। 13 करोड़ लोग अगर एक एक लोगों को रोज जोड़े तो 13 करोड़ रोज जुड़ जाएगा। तब तो ये भारत देश में 125 करोड़ है ही, ये 10-15 दिन में ही फाइनल हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? लेकिन कितने लोग तो डेड बॉडी है, तो खुद सुन लेता है और कहता किसी को बताना नहीं, इतना आनंद आता, अकेले ही लेना है आनंद, किसी को देना नहीं, दूसरों को भी बताइए, इससे बहुत बड़ा पुण्य होगा। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बी नहीं प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बी नहीं प्रयास हो ही भव भंगा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम दे मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम देहि यही मार्ग सोई। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बी नहीं प्रयास होई भव भंगा। कोई सौभाग्यशाली आत्मा भक्ति का रसिक होता है, सत्संग का रसिक होता है, प्रेम का रसिक है, सेवा का रस उसको मिलता है। और जो सेवा का रसिक होता है उसे सेवा करने में आनंद प्राप्त होता है। सेवा के रसिक बनो, परोपकार के रसिक बनो, भक्ति के रसिक बनो, गुरुदेव के प्रचार प्रसार के रसिक बनो, सत्संग के रसिक बनो, प्रेम के रसिक बनो और सफाई शुद्धता के रसिक बनो। गंदगी में जीवन मत गुजारो। तुम गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, लेकिन आज संकल्प लेकर जाओ, अपने घर को, द्वार को, बर्तन को, कपड़ों को, जानवरों को, गाड़ी को, साड़ी को, गद्दे को, रजाई को, फर्श को, कमरे को, आलमारी को, खिड़की को, दरवाजे को साफ सुथरा रखो। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उसका दरवाजा खिड़की रोज पोंछता हूँ। मेरा संत पोंछता, वो संत बैठे, दरवाजे खिड़की पोंछते, ग्रिल पोंछते। मैं उनसे कहता हूँ कोई चीज़ छूं तो धूल नहीं लगनी चाहिए मेरे अंगुली में। और याद रखना, जो सफाई का रसिक है
वो जहाँ रहता है वहाँ बाहर का स्वर्ग बना देता है, और जो भीतर की सफाई करता है वो अपने अंदर भी स्वर्ग बना देता है। भीतर की भी सफाई करी, हमारे आपके भीतर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष की धूल लगी हुई है, इस क्रोध की धूल को भी साफ करो। गुस्सा मत किया करो, नाराज मत हुआ करो। माँ बाप कभी डांट दें तो मुस्करा दिया करो, कभी थप्पड़ मार दें तो हंस दिया करो, कभी कुछ ना कहें तो सोच किया करो कि कुछ कहते क्यों नहीं, और कभी प्रेम करें तो उनके पैर छू लिया करो, और कभी प्रेम से खिलाएं तो मुस्करा कर खा लिया करो, और कभी माँ बाप थोड़ा सुस्त दिखाई दें तो मज़ेदार बात कहकर उनको हंसा दिया करो, और कभी माँ बाप से ये भी कहा करो बड़ा हो जाऊँगा कुछ बड़ा करूँगा और आपके लिए अच्छा मकान बनाऊँगा अच्छी कार लाऊँगा। माता पिता चिंता मत करो, 10 साल इंतज़ार करो, बड़ा होते ही आपके लिए कुछ नया करूँगा। ऐसा करो उनके लिए। कभी आपका पति को समझा दे तो नाराज न हुआ करो, सुन लिया करो, मुड़ करके देख कर मुस्करा दिया करो। ठीक है, कभी पति बोल दे कि चुप रहो तो चुप हो जाया करो, और कभी आपकी पत्नी अच्छा बोल रही हो तो तुम उससे कहा करो थोड़ा और बोलिए आनंद आ रहा है, तुम्हारा प्रवचन बहुत अच्छा है। मैं एक घर में गया था, किसी याद नहीं कहाँ गया था, शायद उत्तर प्रदेश में पदरौनी, तो उस घर मालिक की जो पत्नी थी उसको बहुत खुशी थी। हाँ याद आ गया, मिर्जापुर जिले में था, बहुत खुशी थी, तो उसने खुशी में कुछ दो शब्द कहे, तो उसका पति भी बहुत बड़ा भक्त था, अच्छा आदमी था, लेकिन पति ने कहा कि गुरु जी के सामने ज़्यादा मत बोलो चुप रहो, तो इतना कह दिया। इतनी बात से उसकी पत्नी रोने लगी कि हमको दो शब्द गुरु जी के सामने बोल लेने दो, मैं तो गुरु जी की महिमा ही बोल रही हूँ फिर भी बोलने नहीं देते हो। तो उसके आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे, तो मैंने उसके पति को कहा तुम रुक जाओ थोड़ा बोल लेने दो। बोले हम बोलने के लिए ही इनको बुलाए हैं कि हम दो शब्द बोलेंगे अपने घर में और तुम बोलने नहीं देते हो। तो कभी कभी उनको बोलने का मौका भी दे दीजिए, दिल के भाव को व्यक्त करने दीजिए। अपनी दादी माँ दादाजी बूढ़े माता पिता का आदर करो, कभी कभी उनके पास बैठ करके उनके सम्मान के लिए थोड़ा प्लानिंग की सलाह ले लिया करो, कह दिया करो ऐसा करने वाला हूँ, मन खुश हो जाएगा, आशीर्वाद उनकी आत्मा से मिलेगा। बड़े भाई का भी आदर करना। ये गुस्सा ये क्रोध तुम्हारे भविष्य को बिगाड़ता है, तुम्हारे भाग्य को बिगाड़ता है। विदुर नीति में लिखा है यो न सन्नियच्छति बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यस्त आपत सुना मुह्यति। क्या तात्पर्य है श्लोक का? विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं जो लोग क्रोध और हर्ष के वेग को पचा नहीं पाते, क्रोध आता है तो उस क्रोध को शमन नहीं कर पाते, और कोई हर्ष आता है तो हर्ष को पचा नहीं पाते, ऐसे लोग राज्य और लक्ष्मी से हाथ धो बैठते हैं। और जो क्रोध आने पर भी क्रोध नहीं करता है, हर्ष होने पर भी फूलता नहीं है, वो व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है और भविष्य में आपत्तियां नहीं आती। इसलिए किसी से नाराज हो तो भी नाराजी व्यक्त मत करो,
थोड़ा बुद्धिमानी से काम करो और उससे कहो कि आप बहुत अच्छे हैं, अंदर है नाराजी थोड़ा थोड़ा। नाराज होने से भी कोई फायदा नहीं है। नाराजी को व्यक्त कर दोगे तो वो व्यक्ति तुम्हारे जिंदगी का विरोधी बन जाएगा और तुम्हारी स्पीड में बाधा बना लेगा, इसलिए व्यक्त मत करो। और अहंकार के मैल को भी धो डालो। ये अभिमान, मकान तुमने बनाया है, उस मकान में तुम रहते हो, लेकिन अपने अच्छे मकान का अभिमान पूरे गांव भर को दिखाते हो। क्यों दिखाते हो? कार तुम लाए हो, कार में तुम बैठकर चलते हो, लेकिन ऐंठ पूरे इलाके को दिखाते हो। क्या कार तुमने दूसरों को दे दिया है? ऐंठ तो फालतू ही दिखा रहे हो। तुम मास्टर बन गए हो लेकिन गांव में ऐंठ कर चलते हो, तो क्या मास्टरी का वेतन गांव वालों को बांट रहे हो? किसी गांव में एक मास्टर था, वो ऐंठ कर चलता था, तो गांव के लोग कहते थे कि इसकी ऐंठ बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मैंने कहा कि वो अपनी गर्दन ऐंठता है, तुमको क्या परेशानी है? वो साइकिल पर निकलता था, मैंने भी देखा उसको ऐसे गर्दन ऐंठ के चलता था। तो लोगों ने कहा कभी दांव मिलेगा तो पूरी ही ऐंठ दूंगा गर्दन इसकी। अब किसी की ऐंठ को कोई देख नहीं सकता है। तुम्हारी नम्रता को तो सभी स्वीकार करते हैं। सिया राम माई सब जग जानी। ये चौपाई अपने दीवाल पर लिख लेना, कागज पर लिख के चिपका देना। सिया राम माई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। ट्रेन में मैं बैठा था 20 साल पहले, तो मैं 6 साधुओं का टिकट था, उसमें 8-9 बैठ गए साधु। ट्रेन आ गई, टिकट लेने का टाइम नहीं, बैठ गए। तो हमने कहा बैठ जाओ, रिजर्वेशन कंपार्टमेंट। टीटी आ गया, जांच शुरू हो गई। साधु डर गए, बोले बाथरूम में भाग जाओ क्या? तो मैंने कहा कहीं मत भागो, यही डटे रहो। बोले गुरुदेव आप ही बात करना। मैंने कहा मैं ही बात करूंगा, बात में खिलाड़ी हूं मैं, करूंगा। आया टीटी, हमने कहा टीटी साहब आप बड़े कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी हैं, टाइम पर आ गए डिब्बा चेक करने के लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। टीटी मेरी ओर देखा और मुझे तो चेक कराने नहीं था, हम तो घबराए थे कि 3 साधु फालतू आ गए। मैंने कहा टीटी साहब आप थक गए होंगे, थोड़ा बैठिए सीट पर, यहाँ आइए, बैठिए। बैठा तो हमने कहा टीटी साहब आपका जन्म स्थान कहाँ है? बोले कटनी। तो हमने कहा वाह कटनी, कभी आप जैसा भक्त मिल जाए तो कटनी में भी मैं सत्संग करूँ। बोले महाराज आपको क्या पता, मैं तो आपका सत्संग टीवी में सुनता हूँ। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, तब तो भक्त मिल गया। और मैंने कहा अच्छी बात है। हमने कहा ऐसा करो आप टीटी साहब, आप बहुत महान हो, मैं थोड़ा प्रसाद लाया हूँ आप खा लीजिए। तो प्रसाद निकाला मैंने, तो उसको पेड़ा खिलाया, फिर मेरे पास कचौड़ी थी वो खिलाया, और खिला पिला करके मैंने कहा डब्बा चेक करके सबसे पहले हमारे साधुओं को चेक करो। तो बोला अब साधुओं को क्या चेक करूं, कचौड़ी खा चुका हूं।
तो मैंने कहा मैं सच बताता हूँ, 6 साधु का टिकट है और 9 बैठ गए हैं, तो आप टिकट बना दो इनका। बोले आप तो बोलो मत, सब चले जाओ बस ठीक है। तो हमने कहा ये गलत होगा। बोले गलत बहुत हो चुका है, तुम गलत होने दो, जाओ खाम खा पैसा बर्बाद करोगे गुरुजी, मैं हूं ना इसमें। हमने कहा अगला टीटी आ जाएगा तब। बोले उसको बता कर जाऊंगा, वो आपका गुरु भाई है। अब उस मीठी भोली से नम्रता से सब साधु आराम से सोते चले आए। तो मैंने कहा सीटें तो 6 हैं और साधु 9 है, सोएगा कहाँ। बोले हम इसमें के 3 हटा के अलग कर देते हैं, खाली करवा देते कंपार्ट। तो 3 का ट्रांसफ़र किया दूसरों का। तो बोले ट्रांसफ़र मेरा क्यों हो रहा है। तो टीटी बोला जो कहता हूँ वही करो, नहीं तो ट्रेन से उतर जाओ। तो हमने कहा जय बजरंग बली। ये नम्रता, ये सरलता, ये मधुरता, जहाँ द्वार बंद है वहाँ भी द्वार खुल जाता है। इसलिए याद रखना, अहंकार का अंत कीजिए और नम्रता की नदी बहा दीजिए। जहाँ सफलता रुकी है वहाँ भी सफलता शुरू हो जाएगी। सिया राम माई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जब मैं हवाई जहाज में यात्रा करता हूँ, हवाई जहाज का रूल होता है पैसेंजर को यात्री को इंजन देखने नहीं देते हैं, इंजन में नहीं जाने देते हैं। मैं करीब करीब सभी हवाई जहाज का इंजन देखने जरूर जाता हूँ और पायलट से मिलता हूँ, जुगाड़ बिठाता हूँ। उसमें जो सिस्टर खड़ी होती ना, तो मैं बोलता हूँ आपका हवाई जहाज बहुत सुंदर है और आपकी आवाज़ भी सुंदर है, तो इंजन कितना सुंदर होगा क्या दिखा सकते। तो बोलते देख लो महाराज। हमने कहा खोलो इसका गेट, अंदर जाता हूँ। पायलट से कहता हूँ आपके बाल बहुत सुंदर है, हालांकि बालों से तो मैं विरोध रखता हूँ, लेकिन बोल देता हूँ सुंदर है। तो मेरी ओर देखता है, बोले महाराज शुरू में बहुत सुंदर थे, अब थोड़ा कम सुंदर है। हमने कहा आप हवाई जहाज भी अच्छा चलाएंगे मुझे लग रहा है। बोले आप चिंता मत करो, झटका नहीं लगेगा। हमने कहा बस यही आपसे कहने आया हूँ, आराम से चला देना, गिराना उराना मत। वो भी मेरी ओर मुड़ के देखता है और सोचता है ये पहला पैसेंजर ऐसा है जो अंदर आके धन्यवाद दिया है। तो ये नम्रता से सबको। कोई रेलवे क्रॉसिंग पर मेरी गाड़ी रुकती है, ट्रक वाला खड़ा है, साइड में गाड़ी लगी है, तो ट्रक के ड्राइवर को मैं हाथ जोड़ता हूँ, नमस्कार नमस्कार धन्यवाद, निकल जाने देना। बोले आप आराम से निकलो। वो ट्रक स्टार्ट ही नहीं करता है, जब हमारी निकल जाती तब स्टार्ट करता। ये जिंदगी में व्यवहार की कला सीखो, आकर्षण करने की कला सीखो, लेकिन अपने आकर्षण का दुरुपयोग मत करो। आकर्षण इसलिए करो कि अपनी सफलता के लिए, आकर्षण इसलिए करो दूसरों को बुराइयों से निकाल कर अच्छाइयों के मार्ग पर चलाने के लिए, इसलिए आकर्षित करना चाहिए। प्रातः काल उठी कै पिता गुरु नाम ही माता, प्रातः काल उठी कै रघुनाथ मात पिता गुरु नाम ही माता। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बधहुँ अनुग्रह तो रे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बधहुँ अनुग्रह
नारियों में सीता का रूप देखो, पुरुषों में राम का रूप देखो, और कभी कभी तुम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का रूप अपने अंदर प्रकट करो। कभी जरूरत पड़े तो शत्रुघ्न बन करके मौन रह लेना, कुछ मत बोलना। जिस समय तुम मौन हो जाते हो उस समय तुम शत्रुघ्न का रूप हो। जिस समय तुम प्रेम से भर जाते हो उस समय तुम्हारे भीतर भरत का रूप दिखाई देता है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम भरा होता है तब तुम भरत बन जाते हो। जिस समय तुम सेवा के लिए एक्टिव हो जाते हो उस समय तुम लक्ष्मण बन जाते हो। जिस समय भाई के पद चिन्हों पर चलते हो, भाई का सम्मान करते हो, भाई के लिए प्राणों की आहुति देने को तैयार होते हो उस समय तुम लक्ष्मण हो। और जिस समय तुम सत्य के पथ पर चल देते हो, पिता की आज्ञा का पालन करते हो, और जिस समय तुम एक पत्नी व्रत का पालन करते हो, जिस समय तुम संघर्षों से डरते नहीं हो, रावण जैसे बलशाली के सामने भी धनुष की टंकार लगा देते हो, उस समय तुम्हारे अंदर राम का प्रचंड रूप प्रकट होता है। कभी राम बनकर, कभी भरत बनकर, कभी लक्ष्मण बनकर और कभी शत्रुघ्न बनकर रहना चाहिए। आपके अंदर चारों भाइयों का रूप दिखाई दे। यदि तुम नारी हो, कभी कभी सीता का स्वरूप प्रकट करो, सीता के गुणों को लीजिए। केवट की नौका से पार होकर राम संकोच में पड़ जाते हैं, केवट को उतराई क्या दूं। सीता राम के मन को पढ़ लेती है और सीता जी अंगूठी उतार कर दे देती है। नारियों को सीखना चाहिए, यदि तुम्हारा पति कभी संकोच में हो, यदि तुम्हारा पति कभी संकट में हो, यदि तुम्हारा पति आपत्ति में हो, अंगूठी भी उतार कर दे देना, पायल भी उतार कर दे देना, नाक की नथुनी भी दे देना, कान की कुंडल दे देना। नारी की शोभा पति व्रता धर्म है, नारी का श्रृंगार मीठी वाणी है, नारी की सुंदरता मधुर स्वभाव है, और नारी का सबसे बड़ा सम्मान अपने पति को प्रसन्न रखना ही नारी का सम्मान है। पति को कितनी नारियां अपने पति को खुद ही संकट में डाल देती है। कितने पति लोग अपनी पत्नियों के कारण टेंशन में है, कितनी पत्नियां अपने पतियों के कारण बहुत चिंता में है। पत्नी भक्ति करती है, पति मुर्गा टांगे लिए आ रहा है। पत्नी गुरु का ध्यान लगाती है, पति पीछे से निंदा कर रहा कि ढोंग कर रही हो, आंखें मूंदे बैठी हो। एक दरोगा जी मेरे आश्रम में आए, लखीमपुर खीरी वाले आश्रम। बोले मैं ध्यान लगाता हूं तो मेरी पत्नी कहती बगुला भगत हो, और कभी कभी ज्यादा ध्यान लगाता हूं तो पीछे से ढकेल देती है, तो मैं लुढ़क जाता हूं। तो मैंने सोचा दरोगा की ये दशा है तो दूसरों की तो दुर्दशा होगी। मैं उस दरोगा से बोला कि तू इतनी फूहड़ बात मेरे से क्यों कर रहा है, इज्जत का सवाल है। बोले तो किससे कहूं, तुम गुरु हो, तुमसे बता देता, प्रवचन में समझा दो कि ठीक रहता। आपके घर में कोई एक व्यक्ति भी अगर ध्यान करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, गुरु का नाम लेता है, याद रखना तुम भक्ति पूजा ध्यान नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यदि तुम उसका ध्यान रखते हो, उसको धन्यवाद देते हो, तो उसके पूजा भक्ति ध्यान के पुण्य से तुम्हारी आत्मा भी तरेगी और तुम्हारा भी बेड़ा पार होगा। उसको सताना मत, दुखाना मत। आपके घर में अगर एक बेटी भी रामायण खोलकर पांच चौपाई पढ़ रही है,
सब लोग उसको प्रणाम करना कि धन्य हो बेटी, देवी के रूप में तुम्हारा जन्म हो गया। मैं तो कभी रामायण नहीं पढ़ा, रावण बना रहा, लेकिन तूने रामायण के चौपाई पढ़ा। और बेटियों को चाहिए, यदि अच्छा बर चाहती, अच्छा घर चाहती है, पांच चौपाई रामायण की, पांच दोहे कबीर के और एक श्लोक गीता का रोज पढ़ें, इससे बहुत बड़ा पुण्य होगा, अच्छा घर अच्छा वर मिलेगा, कोई चिंता करने की बात नहीं, बहुत बड़ा पुण्य होता है। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हमारा विद्या अध्ययन में मन लगे, उनको सबसे पहले गुरु का प्रवचन सुनना चाहिए। अब किस गुरु का सुनना चाहिए? जिस गुरु का तुम्हें पसंद हो। मैं नहीं कहता हूँ मेरा सुनो, मेरा सुनने से मेरे को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। लेकिन मेरा प्रवचन सुनने से मेरा नुकसान भी क्या है? कोई नुकसान नहीं। मेरा प्रवचन सुनने से मुझे कोई थकान है क्या? थकान भी नहीं। मेरा प्रवचन सुनने से तो मेरा क्या है? कुछ नहीं है, जो कुछ है तेरा है, तुम सुनोगे तुम्हारा ही फायदा है। क्योंकि मुझे पता भी नहीं कौन कौन मेरा प्रवचन सुन रहा है, पर मैं इतना जरूर कहता हूँ, वह प्रवचन सुनो जो प्रवचन डायरेक्ट इंजेक्शन की तरह तुम्हारे दिल के अंदर घुस जाए, उसको सुनना चाहिए। जो मन के ऊपर ऊपर निकल जाए वो सुनने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे अंदर तक इंजेक्शन असर करना चाहिए, वही प्रवचन तुम्हारे आचरण को बदल सकता है। कुराम रसिक रस पियहु गीत, कबीर कह रहे हैं, को राम रसिक रस पियहु गीत, पियहु गे जोग जियहु गे, सीधे बैठो, पियहु गे जोग रस पियो। दुनिया के सभी रस आपको सुख नहीं दे सकते, दुनिया का हर रस आपको बेहोश करेगा, लेकिन ये राम रस बेहोश आदमी को भी होश दे देगा। राम रस का अर्थ क्या है? राम रस का मतलब है भक्ति का रस, धर्म का रस, कर्तव्य का रस, सेवा का रस, प्रेम का रस, करुणा का रस, यही तो राम रस है। नम्रता का रस, समता सुमति सात्विकता का रस, ये राम रस है। तुम ये मत सोचना ये कलयुग है, यदि तुम्हारे सात्विक विचार है, यदि तुम्हारे अंदर सतोगुण है, तो कलयुग भी तुम्हारे लिए सतयुग बन जाएगा। और यदि तुम्हारे मन में कलह कलेश है, प्रपंच है, बुराइयां हैं, तो सतयुग भी तुम्हारे लिए कलयुग है। यदि द्वेष भावना भरी है तो द्वापर है तुम्हारे लिए, तीन तिकड़म बनाते हो तो त्रेता है तुम्हारे लिए। इसलिए सदाचार के पथ पर चलो और कलयुग को भी सतयुग बनाओ और अपने जिंदगी को स्वर्ग बनाओ, घर को भी स्वर्ग बनाओ और जहां रहो वहां तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे साथ रहना चाहिए। मैंने सुना है युधिष्ठिर की जब मृत्यु हुई, यमराज के दरबार गए, यमराज ने यमदूतों से कहा कर्मों का खाता खोलो, ये धर्मराज है, इसका भी कर्म विपाक खुलना चाहिए। कर्मों का खाता खोला गया, यमदूतों ने बताया कि एक दिन के लिए नरक है, एक दिन झूठ बोला था इसने,
और बाकी स्वर्ग है। युधिष्ठिर से पूछा गया स्वर्ग में पहले जाओगे कि नरक में, युधिष्ठिर ने कहा नरक में पहले जाऊंगा क्योंकि एक दिन का नरक भोग लूं फिर परमानेंट स्वर्ग में रहूंगा। हर आदमी यही सोचता है, जैसे आपसे कोई कहे एक दिन लैया चना चबाना है बाकी जिंदगी भर कलाकंद रसगुल्ला खाना है, पहले क्या खाओगे? तो तुम सोचोगे लैया चना निपटा देता, कलाकंद फिर चलता रहेगा। युधिष्ठिर ने कहा सबसे पहले मैं नरक में जाऊंगा। युधिष्ठिर नरक में चले गए और वहां नरक में जाकर के जो देखा तो युधिष्ठिर आश्चर्य में डूब गए। क्या देखा? कि नरक में बहुत भीड़ मची हुई है, बहुत भीड़ भाड़ है। तो युधिष्ठिर को अचंभा हुआ कि मृत्युलोक में जो मरता है सबके नाम के सामने नेम प्लेट में स्वर्गी लिखकर लगाया जाता है, ये सारे के सारे नरक में पड़े हुए, क्या करूं? और नरक में लोग पीप मवाद में खून में सड़े पानी में डूब रहे हैं, ऊपर से यमदूत मुगदर मार रहे हैं और सब नरकी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये सब दुख देख करके युधिष्ठिर से रहा ना गया, सहा ना गया, कुछ कहा ना गया। युधिष्ठिर रोने लगे, यमराज से बोले ये जितने नरक में आत्माएं हैं इनका सबका पाप मेरे खाते में डाल दो और मेरा पुण्य सब इनके खाते में डाल दो और इनको सबको नरक से निकाल लो, इनको स्वर्ग में पहुंचा दो और मुझे जन्म जन्म तक नरक में ही डाल दो। मैं नरक का दुख सह सकता हूँ लेकिन नरक में पड़े हुए लोगों का दुख देखकर नहीं सह सकता हूँ, इनको स्वर्ग दे दो और इनका नरक भी मुझको दे दो। मैं जिंदगी भर नरक भोगूंगा, 27 जन्म नरक भोग लूंगा वो मंजूर है लेकिन इनका दुख देखकर मैं सह नहीं सकता। यमराज ने कहा ये ओ मस्त, युधिष्ठिर को नरक में डाल दिया गया, नरकवासियों को निकालकर स्वर्ग पहुंचा दिया गया। 1 महीने में युधिष्ठिर ने अपने सुंदर स्वभाव से, मधुर वाणी से, कर्तव्य निष्ठा से, समय के अनुपालन से, अनुशासन से, नियम संयम से, विवेक विचार से, सत्कर्मों से उस नरक को स्वर्ग में बदल दिया। 1 महीने बाद युधिष्ठिर के मन में भावना हुई कि जो लोग नरक से स्वर्ग में गए हैं उनको जाकर मिलूं, उनसे बातें करूं, वे बड़े सुखी होंगे, शायद मुझे धन्यवाद देंगे। युधिष्ठिर स्वर्ग में गए सबको मिलने के लिए लेकिन युधिष्ठिर ने जो स्वर्ग में दशा देखी तो फिर दुख में डूब गए क्योंकि वो नरक से जो आत्माएं स्वर्ग में आई थीं उन्होंने 1 महीने में स्वर्ग को भी नरक में बदल डाला। वहाँ भी वो सब शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गाली गलवज कर रहे हैं, एक दूसरे को मार कूट रहे हैं, ईर्ष्या जलन कर रहे हैं, दांत पीस रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, काम वासना में फंसे हुए हैं, बेविचार कर रहे हैं, चोरी चपारी लफाड़ीबाजी सब कर रहे हैं, मार कूट कर रहे हैं, सहनशीलता नहीं है, लोभ लालच बहुत है, वो स्वर्ग भी नरक बन गया। जब स्वर्ग को नरक के रूप में देखा तो युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा यमराज से कि यमराज मैं नरक में रहता हूं तो भी ये स्वर्ग बन जाता है और ये लोग स्वर्ग में रहते तो वो नरक बन जाता है, इसका मामला क्या है? यमराज ने बहुत बड़ी बात कही, सुनने जैसी बात कही। यमराज ने कहा भगवान भेद नहीं करता है, भगवान न नरक बनाता है न स्वर्ग बनाता है, मनुष्य अपने सत्कर्मों से, सदाचार से, सात्विक विचार से, शाकाहार से, सहनशीलता, नम्रता, सरलता, विवेक, विचार, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति से स्वर्ग बनाता है। अब मनुष्य कलह कलेश से, गुस्सा से, काम वासना से, व्यभिचार से, चोरी से, चुगली से, छल कपट से, झगड़ा से
और एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करके टांग खींच करके ये खुद ही नरक बनाता है। अपना अपना स्वर्ग अपना अपना नरक बनाने की कला आपके हाथों में है। आप चाहो तो अपने घर को भी स्वर्ग बना सकते हो, और चाहो तो अपने स्कूल को भी स्वर्ग बना सकते हो, चाहो तो पुलिस लाइन को स्वर्ग बना सकते हो, चाहो तो हॉस्पिटल को स्वर्ग बना सकते हो। और आपकी बुद्धि बिगड़ जाए तो जहाँ स्वर्ग है वहाँ भी नरक बना सकते हो। अभी यहाँ भोजन भंडारा होगा, देख लेना स्वर्ग नरक आप यहाँ। ऐसी छीना झपटी मचेगी हे भगवान, वहीं से पहचान लेना कौन कौन नरकी है। ढकेल ढकेल कर दूसरे की पीठ पर सब्जी डाल डाल के, अपने बुसरट पर खीर डाल के बोलेंगे जय हो खीर वाले की। लाइन में लग जाना यही स्वर्ग का लक्षण है। जल्दी क्या है, आखिर धक्का मारोगे तो वहाँ देने वाले तो उतने लोग देंगे, तो उतने लोगों को ढकेलने से क्या फायदा। ढकेलना ही नरक की पहचान है। लाइन से लग जाओ, प्रेम से लेते रहो, खाते रहो, जाते रहो, सोचते रहो कि ऐसा हम भी भंडारा करेंगे, ऐसा प्रोग्राम करेंगे, गुरुदेव को बुलाएंगे। तुम भी तो मन में सोचो कभी, और मेरा प्रोग्राम करना कितना आसान है। ये मंडप मेरे साथ आया है, ये लाइट मेरे साथ, जनरेटर मेरे साथ, ये ट्रक गाड़ी सब मेरे साथ, ये 70 तखत की ब्याज गादी मेरे साथ, अरे यहाँ की जमीन है बाकी सब मेरे साथ। और कोई जुगाड़ बने तो मैं जमीन भी लाऊंगा, रख दूंगा, ये वीडियो कैमरे मेरे साथ, इस साधु मेरे साथ, माइक मेरे साथ, साउंड सिस्टम मेरे साथ। माइक की आवाज़ देखो कितनी अच्छी है, ये माइक सेट कितनी कीमत का आपको पता है? 50 लाख का माइक सेट है, 50 लाख। लखनऊ में ही ये किराए से मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा भी नहीं, इतना महंगा रखेगा कौन। और ये वीडियो कैमरे जो लगे हैं ना, अरे राम राम, ये सब फिल्म स्टूडियो के कैमरे हैं, ये सब 3-3 लाख 5-5 लाख वाले हैं। इसीलिए तो इसमें जो फोटो आता बिल्कुल हीरो हीरोइन जैसा आ रहा। आप देखो ना, आप अभी तुम्हारा फोटो भी आने वाला है, जंतर मंतर करूँगा आ जाएगा, आ गया, देखो तुम्हारा नंबर लग गया। मैं यहाँ जो बोलता हूँ, यहाँ कोई माइक की मशीन आपको दिख रही कहीं? कुछ नहीं है, सब इंद्रलोक से वायर आ रहा है, वहीं से आवाज़ आ रही है। ये पहला सिस्टम, अजूबा सिस्टम। और फिर ये क्यों व्यवस्था है? क्योंकि मेरे प्रोग्राम करने वाले आयोजक भक्त को ज़्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है, ताकि साफ सुथरा सुंदर पवित्र प्रबंध होना चाहिए। अब ये कभी भंडारे में प्रयोग नहीं होता, टेंट हाउस में, इसमें कोई दाल वाल नहीं चुवा सकता, न इसमें कोई गंदगी करेगा, इसमें भक्त ही बैठेगा, बाकी कहीं प्रयोग नहीं होगा। पवित्र आसन, ये मेरे माइक में भी दूसरा नहीं बोलेगा, मैं ही बोलूँगा, वो जूठा कर देगा, इसमें जीभ लगा देगा। कुछ लोग माइक का चाट चाट बोलत है, वो समझत यहूं कोई टेस्ट हो जी। प्रात काल उठी कई रघुनाथा, माते पिता गुरु नाही माथा। कितने पुत्र पुत्री हैं जो अपने माता पिता के प्रातः काल पैर छूते हैं, जरा हाथ उठाकर बताते। वेरी गुड। कितने पुत्र पुत्री ऐसे हैं जो कि माता पिता से
बहुत प्रेम रखते हैं, जरा हाथ उठाते हैं। क्या बात, संख्या ज्यादा है। कितने पुत्र पुत्री ऐसे हैं जो माता पिता को मारना चाहते हैं। कोई नहीं है। प्रातः काले उठी के रघुनाथ मात पिता गुरु नाम ही माथा मात पिता गुरु नाम ही माथा प्रातः काले उठी के राम माई सब जग जानी करहु प्रणाम जोई जोग पान शिया राम माई सब लोग गाइए चौपाई गाइए जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पाई सिया राम माई सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पाई पाणी माने दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता हूँ। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। चाणक्य से किसी ने पूछा पंडित कौन है। चाणक्य कहते हैं जो अपनी पत्नी के अलावा सब नारियों में माँ का दर्शन करता है और अपने धन के अलावा दूसरे के धन में मिट्टी के ढेले का दर्शन करता है और अपनी आत्मा के समान सभी आत्माओं का दर्शन करता है वह व्यक्ति पंडित होता है। पंडित होता है। एक लकड़हारा था, उसका नाम रांका था और उसकी पत्नी का नाम बांका था। रांका और बांका का जोड़ा था। तो उस लकड़हारे ने एक दिन सत्संग में जा कर के सुना कि लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ नहीं करना चाहिए। किसी के दूसरे के धन पर लालच नहीं करना चाहिए। ऐसा सुना। दोनों पति पत्नी ने संकल्प ले लिया और ऐसा संकल्प लिया कि दूसरे के धन को देखकर लालच नहीं करूंगा। बहुत बड़ा संकल्प। संकल्प लेकर के एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गए। एक एक गठरी पति पत्नी लेकर लकड़ी आ रहे थे। रास्ते में स्वर्ण मुद्रा से भरी हुई थैली पड़ी हुई थी। पति ने देखा, पति आगे आगे था तो पति ने सोचा कि हम पति पत्नी ने व्रत लिया है कि दूसरे के धन को देखकर लालच नहीं करेंगे। अभी स्वर्ण मुद्रा से भरी थैली है और थैली का मुंह खुला है और कुछ मुद्राएं बाहर बिखरी हैं तो मेरी धर्म पत्नी पीछे आ रही है, उसका मन कहीं डिग ना जाए, डगमगा ना जाए।
इसलिए उस लकड़हारे ने जिसका नाम राका था उसने झुक करके उस स्वर्ण मुद्राओं के ऊपर थोड़ी मिट्टी डालने लगा और पीछे से उसकी पत्नी आ गई तब तक निकट। उसने कहा, क्या कर रहे हो पतिदेव? बोले, स्वर्ण मुद्रा से भरी हुई थैली, कुछ बिखरी हुई स्वर्ण मुद्रा, उस पर थोड़ा मिट्टी डाल देता हूँ ताकि पीछे से तुम आ रही हो, तुम्हारा मन कहीं डगमगा ना जाए, कहीं व्रत टूट ना जाए। तो पत्नी ने जो बात कही, उसकी पत्नी का नाम बांका था, तो उसने बड़ी बांकेदार बात कही, सुनने जैसी बात है। उसने कहा, पति देव, मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। आपको ये स्वर्ण मुद्रा अभी भी दिख रही है यदि, तो आपके त्याग में कुछ कसर है। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। तो पति शर्मिंदा हो गया और बोला, मेरी पत्नी मुझसे एक कदम आगे है। जीवन में बहुत से व्रत लेना चाहिए। मंगलवार को व्रत रहिए हनुमान जी के नाम पर, कोई बुरा नहीं। नौ दुर्गा व्रत रहिए, अच्छी बात है। देवी देवताओं के नाम पर व्रत रहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, गाली ना देने का व्रत भी लीजिए, झूठ ना बोलने का व्रत लीजिए, दूसरों की निंदा ना करने का व्रत लीजिए, चोरी ना करने का व्रत लीजिए, आलस्य ना करने का व्रत लीजिए, गुस्सा ना करने का व्रत लीजिए, लालच ना करने का व्रत लीजिए, कम खाने का व्रत लीजिए, समय पर जागने का व्रत लीजिए, साफ सफाई रखने का व्रत लीजिए, आपस में प्रेम से रहने का व्रत लीजिए, मानवता के पथ पर चलने का व्रत ले लीजिए, परोपकार करने का व्रत लीजिए, भक्ति का व्रत ले लीजिए, सत्संग कराने का संकल्प व्रत ले लीजिए, भंडारा करने का संकल्प व्रत ले लीजिए, और यदि हो सके तो हर व्यक्ति को सहारा देने का व्रत ले लीजिए। दुखी ना होने का व्रत लीजिए। कई लोग तुम्हें ऐसी बात बोल देंगे, आपका मनोबल गिर जाएगा, मन दुखी हो जाएगा, उसका भी व्रत लो कि मैं दुखी नहीं होऊंगा। और वाद विवाद ना करने का व्रत ले लो, गम खाने का व्रत ले लो, सहनशीलता का व्रत लीजिए, सत्संग सुनने का व्रत लीजिए कि सत्संग जहां होगा सुनने जाऊंगा। आज हमारे आपके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में बहुत अच्छे आदमी, कल ही फोन आ गया था लेकिन कल वो नहीं आए, आ जाए तो मैं समझ गया यही आदमी होगा राजेश यादव, दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी चाल से, उसके कपड़े से, उसके मुस्कान से और साफ दांतों से पता चला कि हे राजेश ही, और सबका प्यारा है, एमएलसी है, सबका न्यारा है और बहुत ही प्रेम भाव। उनको प्रेम की भाषा में राजू भैया बोलते हैं, ये बात है ना, तो मैं भी राजू बोल देता हूँ, और राजू बोलो तो राजी भी हो जाएंगे, और उनको राजी कर लूँ तो बाराबंकी जिले में बहुत बड़ा सत्संग भी करा दे। हाँ, हे राजू,
सदस्य विधान परिषद बाराबंकी उत्तर प्रदेश ग्राम बोहैया कुर्सी निराला नगर में भी कार्यालय है उनका। वाह वाह। उनके साथ आए हैं रमेश वर्मा जी। खड़े हो रमेश, देखो क्या बात है। श्री मुनेश्वर प्रसाद जी, श्री गोलू यादव जी, श्री भूपेश जी। भूपेश कहाँ? ये हमारे आज के मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं आदर्श पटेल साहब। खड़े हो विशेष अतिथि। इनका भी देखो सिदरी दोनों की काले रंग की है, कुर्ता का रंग बदला है थोड़ा सा, अच्छा है, बदल भी देना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद है जब हमारे देश का नेता, देश का राजनेता, देश का अभिनेता सत्संग में रुचि लेने लग जाए तो समझ लेना देश बहुत बड़ी प्रगति की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। व्यासगादी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई जी को भी धन्यवाद देती है। बड़ी निडरता के साथ, निर्भयता के साथ राम मंदिर का फैसला, प्राण जाएं पर वचन न जाएं, फैसला सुना दिया। मैं भी सोचता था फैसला आएगा क्या, लेकिन ऐसा फैसला दिया कि मंदिर बनाओ तुम लोग। आज बहुत से हिंदू लोग खुशी में रोए हैं, बहुत से हिंदू लोग आज सोएंगे भी नहीं, बार बार मोबाइल खोलेंगे, कुछ और हो रहा है क्या? बहुत से हिंदू लोग बहुत खुश हुए हैं, और मैं तो सोचता हूँ यक्की मत मक्का मदीना में, मोहम्मद साहेब की जन्मभूमि में, यदि मोहम्मद साहब का मस्जिद और काबा न बने तो बड़ी शर्म की बात है। यदि हमारे अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि में राम का मंदिर न बने तो हमारे हिंदुस्तान वासियों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आज आपका गौरव ऊंचा हुआ है, गर्व ऊंचा हुआ है, और आज राम लला के लिए भव्य मंदिर बनेगा। ऐसे मैं तो जहां रहता हूं उसी को मंदिर मानता हूं, लेकिन फिर भी हम कुछ भी मानते वो अलग बात है, पर भगवान का मंदिर तो उनके जन्म स्थान में बनना ही चाहिए। रंजन गोगोई और उनके साथ चार और जज बड़ी हिम्मत का काम किए हैं, और बड़ी शांति है। मुस्लिम भाइयों को भी व्यास गादी धन्यवाद देती है। हमारा मुस्लिम समाज चाहे वो किसी देश में रहते हों, करोड़ों की संख्या में वो भी मेरा प्रवचन सुनते हैं, वे भी महान हैं कि इस फैसले को उन्होंने स्वीकार किया, कोई उत्पात खुराफात नहीं किया, और शांति से वो अपना काम कर रहे हैं, और हिंदू समाज के लोग भी शांति से रह रहे हैं। और मैं आशीर्वाद देता हूं सभी पार्टियों के राजनेताओं को, क्योंकि किसी पार्टी का कोई राजनेता इसमें विपरीत भाषण नहीं किया है, सब साइलेंट, सब खुश है। अंदर अंदर सबके मन में था बनना चाहिए, बनना चाहिए, और इसमें राजनेताओं का ज्यादा हाथ भी नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कमान अपने हाथ में ले लिया कि आप तो देश चलाइए, मंदिर वाला लफड़ा मैं सुलझा देता हूं। और वास्तव में ये व्यास गादी 125 करोड़ हिंदुस्तान की जनता को, नर नारियों को बहुत बहुत बधाई दे रही है, धन्यवाद दे रही है कि आप लोग महान हो।
इस 125 करोड़ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी सभी एक्स वाई जेड आ गए, कोई बचा नहीं, सबको धन्यवाद। और उस दिन आनंद आएगा जिस दिन मुस्लिम भाई भी जा करके इस मंदिर के निर्माण में कुछ ईंटें दान करेंगे, सीमेंट दान करेंगे, तब हिंदू मुस्लिम का भाईचारा पुनर्जीवित हो जाएगा, जीर्णोद्धार हो जाएगा। बहुत लोगों की इच्छा थी गुरुदेव आज इस मंदिर वाले पर कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे, पर मुझे ज्यादा मालूम भी नहीं क्योंकि मैं सुना भी नहीं उसको यूट्यूब में क्या आया है, दूसरे से सुना हूं कि फैसला आया, इसलिए मुझे थोड़ा हिचक भी होती है कि पता नहीं कुछ गलत बोल दूं। परंतु मैं सोचता हूं हमारे राजेश राजू भैया शायद आज इसीलिए आए हैं कि वे राम मंदिर का बहुत शुभ समाचार लेकर आए हैं, इसलिए उनका पधारना हुआ। कल इसलिए नहीं आए थे कि कल कोई समाचार था नहीं, तो आज खुशखबरी लेकर आए, यही बात है। उनको शुभकामना करता हूं और आपका व्रत अखंड होना चाहिए, माता पिता की सेवा करने का व्रत ले लीजिए, सास ससुर की सेवा का व्रत लीजिए, अपने बहू बेटी को प्रेम से रखने का व्रत ले लीजिए, अच्छा मकान बनाने का संकल्प लीजिए, अच्छी गाड़ी लाने का संकल्प लीजिए, धनवान महान गुणवान चरित्रवान विद्वान बुद्धिमान विवेकवान विचारवान बनने का भी व्रत और संकल्प लीजिए कि हम भी महान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे और अच्छा मकान बनाकर रहेंगे, उन्नति करेंगे और गरीबी को दूर भगाएंगे, अमीर होकर जिंदगी बिताएंगे, ये व्रत लीजिए। आज ये भी व्रत ले लीजिए कि पान पुड़िया तंबाकू मांस मछली अंडा नशा शराब बीड़ी सिगरेट गांजा चरस ये सब त्याग करने का व्रत लीजिए, आज मंदिर बनने का फैसला आया है तो आप अपनी जिंदगी में भी कोई फैसला ले लीजिए कि आज से बुराइयों का व्रत लेता हूँ और जिंदगी को अच्छाइयों के पथ पर चलाऊंगा। देश की सेवा का व्रत ले लीजिए, देश भक्त बन जाइए। कितने लोग इस देश में रहते हैं लेकिन देश भक्त नहीं है, बड़े गद्दार हैं। कितने लोग घर में रहते हैं घर के भक्त नहीं, बड़े मक्कार हैं, खूब घर को बर्बाद कर रहे हैं, उसी में खुदर बुदर बनाते रहते हैं। और कितने साधु आश्रम में रहते हैं पर आश्रम के वफादार भक्त नहीं, आश्रम में भी गद्दारी कर रहा है, गद्दा पर लेटा रहता है, सोता रहता है, काम नहीं करता है। याद रखना आश्रम में रहो तो भी मेहनत करो। मुझसे एक भक्त जियालाल जी कह रहे थे बाराबंकी के शरुआ गांव के कि आपके साथ तो बहुत मेहनत है, तो हमने कहा जरूर है, भले आप साधु बन गए इतनी मेहनत करते हैं, तो मैंने कहा मैं साधु नहीं बना था तो भी मेहनत करता, आश्रम में रहता था वहाँ भी मेहनत करता था, अब भक्तों के यहाँ आता हूँ यहाँ भी मेहनत करता हूँ, मेहनत का फल है सुखदाई, पानी पीकर प्यास बुझाई, एक कौवे को लागी प्यास, उड़कर गया घड़े के पास, देखा घड़े में थोड़ा पानी, देख हुई उसको हैरानी, बड़ी दूर से लाया कंकड़ लगा डालने एक एक कर, ज्यों ज्यों कंकड़ पड़ता जाता त्यों तो पानी चढ़ता जाता, जब पानी ऊपर तक आया कौवा पीकर खूब अघाया, मेहनत का फल है सुखदाई, पानी पीकर प्यास बुझाई, कौवा से तुमको बात सिखाई, सीखो कौवा से भी सीख लो। कौवा एक दिन अपने बच्चे को सिखा रहा था कि बेटे मैं तो बूढ़ा हो गया मर जाऊंगा थोड़े दिनों में, लेकिन तुझे ज्ञान देकर जा रहा हूं। तो बेटे ने कहा पिताजी आपको मेरा नमन है, सिखाइए ज्ञान। बोले जब कोई आदमी आए और तुम पेड़ की डाल पर बैठे हो, वो आदमी झुके तो तुम उड़ के भाग जाना। तो कौवा के बच्चे ने कहा पिताजी मैं क्यों भाग जाऊं, झुका आदमी है भागू मैं क्यों भागू। बोले वो झुकेगा तो मिट्टी का ढेला या पत्थर का टुकड़ा उठाकर तेरे को ही मारेगा। बोले मेरे को मारेगा तो उसके झुकते ही मैं भाग जाऊं। बोले हाँ तुरंत भाग जाओ, वो झुके कि तुम भागो।
बोले पिताजी अगर वो घर ही से मिट्टी का ढेला लेकर आए और झुके ना वो मार दे तो आदमी को देखते ही हमको उड़ जाना चाहिए वहां से। तो कौवा ने अपने बच्चे के पीठ पर हाथ रखा, कहा तू मेरे से भी एक कदम आगे, तुझे सिखाने की जरूरत नहीं। अपने माँ बाप से भी ज्यादा होशियार बनिए, गुरु से ज्यादा बुद्धिमान बनिए, अफसर से ज्यादा एक्टिव बनिए कर्मचारी होकर, दरोगा जी से ज्यादा कांस्टेबल को चतुर खिलाड़ी होना चाहिए। और याद रखना, जो व्यक्ति अपनी समस्त ऊर्जा का प्रयोग करता है, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करता है, वो व्यक्ति कभी छोटा रहता ही नहीं है, वो एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए प्रयोग कीजिए। और जो लोग सतत उन्नति करना चाहते हैं, उद्योगम संयमोदाच्यम अप्रमादो धृति स्मृति, विदुर जी कहते हैं जिनको बहुत उन्नति करने की इच्छा है, सबसे पहले उनको कुछ उद्योग करना चाहिए। कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए, निठल्ला बनकर मत बैठो, भगवान भरोसे मत बैठो कि सबको देने वाला भगवान है हमको भी देगा। किसी गुरु के पास में एक शिष्य रहता था, शिष्य बहुत आलसी था, काम करना नहीं चाहता था। तो शिष्य को गुरु ने एक दिन कहा कि जंगल जाओ, लकड़ी सूखी बटोर कर लाओ तो भोजन भंडारा बनेगा। तो जंगल गया और वहां देखा, वहां बहुत सी लोमड़ी आ गई तो डर गया, डर के पेड़ पे चढ़ गया। कितना आलसी हो लेकिन डर लगता तो खूब मेहनत करके चढ़ जाता पेड़ पे। पेड़ पे चढ़ा और जब पेड़ पर चढ़ा तो एक शेर आ गया, और शेर को आते देख करके सब लोमड़ियां भाग गईं, लेकिन एक लोमड़ी नहीं भागी, क्योंकि वो लंगड़ी थी, विकलांग थी, दौड़ नहीं पाती थी, तो वहीं खड़ी रही। तो जो आलसी शिष्य था पेड़ के ऊपर बैठा देख रहा था कि अब ये शेर इस लोमड़ी को खा जाएगा, लेकिन हुआ कुछ अलग, सीन बदल गया। शेर ने मांस का टुकड़ा, 5 किलो के मांस का टुकड़ा उस लोमड़ी के सामने रख दिया। लोमड़ी मांस के टुकड़े को खा रही और शेर चुपचाप चला गया। ऊपर से नीचे उतरा, आश्रम आया, गुरु के पास पहुंचा, पैर छुआ, कहा गुरुदेव मुझे लकड़ी बटोरने के लिए क्यों भेजा, वहां तो खतरा भी बहुत था, शेर भी आया, लोमड़ी भी। लेकिन गुरुदेव एक बात बताओ, लोमड़ियां खड़ी थी, शेर आया, लोमड़ियां भाग गई, एक लोमड़ी नहीं भागी, वो लंगड़ी थी, विकलांग थी, तो उसको शेर ने मांस का टुकड़ा दिया और उसने खाया और शेर चला गया, शेर ने लोमड़ी को नहीं खाया। तो जब भगवान एक लोमड़ी के लिए इतना प्रबंध कर सकता है, शेर के द्वारा मांस का टुकड़ा भेज सकता है, तो मैं तो मनुष्य हूं, मेरे लिए भी भगवान प्रबंध करेगा, मैं काम क्यों करूं, ऐसा उसने अर्थ लगाया। तो गुरु भी बहुत बुद्धिमान था, गुरु ने कहा बेटा तुमको भगवान लोमड़ी नहीं बनाना चाहता है, तुमको शेर बनाना चाहता है, तुम दूसरों को लाकर टुकड़ा दो, बल्कि टुकड़ा का इंतजार करने के लिए लोमड़ी बनकर मत खड़े रहो, तुम शेर बनो। तो आलसियों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि विकलांग लोमड़ी बनने की कोशिश मत करो, बल्कि शेर बनकर के सिंह की तरह दहाड़ लगा करके दूसरों के लिए इंतजाम करने का संकल्प लीजिए। आप अंते समारोह आप है, तीनों लोग हांकते कांपे, तुम अपनी शक्ति को पहचानो, तुम इतनी कमाई कर सकते हो कि हजारों लोग तुम्हारी कमाई में अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत ऊर्जा है। आज मुकेश अंबानी के पास में 4-6 लाख 10 लाख लोग रोजगार प्राप्त किए, टाटा जी के पास में करीब 20 लाख लोग रोजगार कर रहे हैं, बिड़ला जी के पास भी 8-10 लाख लोग रोजगार कर रहे हैं,
आप अपनी ऊर्जा को समझो तो सही, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति विद्यमान है। तो जो लोग निरंतर उन्नति करना चाहते हैं उनको सबसे पहले उद्योग करना चाहिए, आलसी मत बने। नंबर दो, संयम से रहना चाहिए, अपने गुस्सा पर भी संयम रखो, आलस्य पर कंट्रोल रखो, अपनी वाणी पर संयम रखो। अड़बड़ बड़बड़ गड़बड़ बोलो मत, सोच समझ कर बोलो, तौल कर बोलो, छान कर बोलो, विचार कर बोलो। बोलना नहीं आता तो कम बोलो, बिल्कुल नहीं बोलना आता तो मौन रहो। लेकिन ज़्यादा फालतू बड़बोलापन डिस्टर्ब बहुत करता है, सोच समझ कर बोलिए। और ये भी याद रखना, जिसका वाणी पर संयम है, कर्मों पर संयम है, खाने पीने में संयम है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, युक्त आहार विहारस युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस योगो भवत दुखा, वह व्यक्ति दुखों से पार हो जाता है। भोजन कितना अच्छा हो और कितना ही तुम्हारे सामने रख दिया जाए पर संयम से खाइए, ऐसा नहीं कि आप 10 रसगुल्ला खा लो, 10 रसगुल्ला में 5 लोगों का हिस्सा मारा जाएगा और 5 लोगों का हिस्सा जो ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। एक खा लो, 2 खा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 खा लो, दूसरों का भी तो ख्याल रखो। और बहुत खाने से कोई पहलवान नहीं बनता है, दारू पीने से कोई बलवान नहीं बनता है, चोरी करने से कोई धनवान नहीं बनता है, गलत काम करने से कोई महान नहीं बनता है, और बिना गुरु कृपा के किसी का कल्याण नहीं होता है। साहिब बंदगी बोलो, धन्यवाद है विनोद डॉक्टर, खड़े होकर दर्शन दो। श्रवण कुमार, दिनेश कुमार, गया प्रसाद, रामावती, रामरती, खड़े होकर दर्शन दो। राहुल, खड़े होकर दर्शन दो। शिखा जी, देखो ये तीनों भाई खड़े हैं, बड़े बुद्धिमान है, एक आगे बैठा है, दूसरा बीच में, तीसरा उधर लास्ट तरफ। इनकी बदौलत से इस पावन धारा पर सत्संग हो रहा है, बहुत गुरुदेव के परम भक्त हैं। आज इस क्षेत्र के राजेश यादव, खड़े हो दर्शन दो, हाथ जोड़ के ताली बजा दो। राजेश को माला पहना दो, विनोद जी पास में माला है, राजेश पहन लो, सम्मान होना चाहिए। धन्यवाद। राजेश बताओ कितनी संख्या होगी, ठीक से देखना दोनों तरफ, थोड़ा बढ़ा के बताना, कम ना बताना। हैं, अपार जनसमूह, ये भी खिलाड़ी आदमी, उसने बताई नहीं 2000, 5000, 10000, ऐसा ऐसा संख्या का नाम रखा अपार, जिसका हम भी पार ना पा सके। धन्य हो, मालूम हो गया तुम आगे बढ़ोगे। हाँ, वो विधानसभा भी पार कर जाएगा, संसद भवन पहुंच जाए, बैठो। ये तो होशियारी है ना, अपार जनसमूह, वास्तव में भ्रम भ्रांति पाखंड आडंबर अंधविश्वास में ना फंसने का व्रत ले लीजिए, दहेज ना लेने का व्रत लीजिए, सुंदर बहू आपको मिलना चाहिए, बेटी वाले को इतना परेशान मत कीजिए, क्योंकि किसी के दहेज देने से तुम्हारी जिंदगी नहीं चल सकती है,
बेटी का मूल्य समझिए, बहू का मूल्य समझिए, पैसे के आगे बहुओं का मूल्य खत्म हो रहा है। याद रखना, जिनको बेटी जन्म ले लेती है वह इनका मन चिंतित हो जाता है कि इसकी शादी कैसे करेंगे। बेटी के बाप को चिंता में मत डालिए, माँ को टेंशन में मत डालिए। और बेटियों को कहूँगा, तुम योग्य बनो, गुणवान बनो, महान बनो, बुद्धिमान बनो, हर कला सीखो, और जिस घर में पहुँचो ससुराल में, तो ससुराल को उजाला कर दो, धन्य कर दो, चमत्कार कर दो। हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, लगा दो पार धीरे से, लगा दो पार धीरे से, हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, लगा दो पार धीरे से। न मांझी है न के वट है, न मांझी है न केवट है, न रुख सीधा हवा का है, न रुख सीधा हवा का है, तुम्हारा नाम लेता हूँ मेरे सरकार धीरे से, तुम्हारा नाम लेता हूँ मेरे सरकार धीरे से, हमारी नाम को स्वामी लगा दो पार धीरे से, 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 अंधेरे में उजाले के लिए इतना यतन ही है, अंधेरे में उजाले के लिए इतना यतन ही है। अंधेरा है लेकिन उसमें उजाला करने के लिए यतन चल रहा है कि उजाला हो जाए। क्यों हो जाए उजाला? अंधेरा है तो सो जाओ उसमें अंधेरे में। उजाला क्यों चाहते हो? क्यों चाहते? क्यों? क्योंकि दिखा दो सांवरी सूरत मेरे सरकार धीरे से, दिखा दो सांवरी सूरत। बहुत सुंदर। हे कृष्ण, अपनी सांवरी सूरत दिखाओ धीरे से, हमारी नाम को स्वामी लगा दो पार धीरे से, जगत के झाड़ झोंकों से ये नैया डिग नहीं सकती, जगत के झाड़ गाइए, मधुर मधुर गाइए, हल्की हल्की ताली, ये नैया डिग नहीं सकती, ये नैया डिग नहीं सकती, ये नैया डिग नहीं सकती,
आप सोचते होंगे इतना बड़ा गिलास क्यों रखते हैं गुरु, बहुत बड़ा है ना, देखो ना। इसलिए रखता हूं कि बार बार उनको जल देना ना पड़े, आने में डिस्टर्ब होता है, लेकिन मैं फिर भी दो गिलास पीता हूं। इसमें आता है पौन लीटर जल में बहुत पीता हूं, इसीलिए बुद्धि मेरी कुशाग्र है। और तुम भी जल पिया करो, बुद्धि तेज हो जाएगी। और इतना जल पियो कि अगली बार आऊं तो तुम यहां बैठकर प्रवचन सुनाओ, मैं उधर बैठकर सुनो। जल से बुद्धि बढ़ती, और अधिक भोजन खाने से बुद्धि घटती है, इसलिए जल ग्रहण करो। आधा गिलास दूध शाम को पीने से और 10 मुनक्का खाने से पेट की कब्जियत खत्म होती है। सवेरे खाली पेट गाजर, मूली, पपीता, टमाटर, खीरा, ककड़ी, सलाद, सेव, फल, मौसमी, अनार, संतरा, ये थोड़ा थोड़ा खाने से आपको दिन भर ओंठ नहीं सूखेंगे, गला नहीं सूखेगा, प्यास नहीं लगेगी, और एनर्जी इतनी बनेगी कि आप दौड़ोगे। एक मूली रोज खा लिया करो। अमरूद खाने से पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। आलू खाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, केवल शुगर होता है, शुगर। ज्यादा आलू मत खाओ, लेकिन आलू खाओ तो उसका तरीका अपनाओ कि आलू में जीरा, धनिया, मिर्च, अजवाइन, ये सब भून के डाल के उसको कूच काच के उसके बाद रोटी के साथ खाओ। कभी कभी मक्के की रोटी खाओ। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, चना, गेहूं, जौ, ये सब आटा मिला करके रोटी बनाकर खाओ। मैं 10 प्रकार के आटे की रोटी खाता हूँ, 10 प्रकार का आटा, वो मेरा भंडारी है बैठा बीच में, वो खिलाते 10 प्रकार का आटा है। और कभी कभी चावल और सकपहिता खाया करो। सकपहिता जानते हो? पालक बथुआ को उसमें खड़ी मूंग में डालकर पकाना, और फिर हींग और जीरा और धनिया और मिर्च और लहसुन से छौंक देना, और फिर चावल के साथ मिलाकर खाओ। कभी कभी एक हफ्ते चावल बंद कर दिया करो। कभी दूध रोटी शक्कर खा लो, कभी घी रोटी नमक खा लो। देख लो आपकी वाइफ का मूड सही नहीं है तो बोल दो कि आज रोटी और घी और नमक खाने की इच्छा है, सब्जी दाल का लफड़ा खत्म करो, क्योंकि उसका दिमाग गर्म वैसे ही है। कभी कभी चाय बंद कर दो, किसी चीज की आदत ही मत बनो, 3 दिन चाय बंद रखो। तीन दिन रोटी से काम चलाओ। और कभी कभी थोड़ा व्रत रखो, 3 घंटे का व्रत, और जिंदगी भर के लिए 1 रोटी कम खाने का व्रत ले लो, 50 ग्राम चावल कम खाने का व्रत ले लो, 1 चम्मच दाल कम खाने का व्रत ले लो, 1 चम्मच सब्जी कम खाने का व्रत ले लो, और जो चीज़ तुम्हारे घर में कम बनी है उसको तो बिल्कुल कम खाने का व्रत ले लो, ताकि वो सबको मिल जाए। ऐसा अगर व्रत तुमने ले लिया तो बीमार नहीं होगे आप, ज़्यादा बीमारी नहीं आएगी। बहुत खाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा। आज यहाँ खीर पूड़ी सब्जी का भंडारा है, बहुत अच्छी पूड़ी बनी, खीर भी टॉप की, मसाला पड़ा है, दाल मखाना, काजू, किशमिश सब पड़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं एक एक कमंडल पियो खो, हाँ थोड़ा, बस 1 दोना लेना बस, ठीक, प्रसाद है ये। 2-3 पूड़ी खा लेना, ज्यादा खाना तो 4 खा लेना, लेकिन 40 पूड़ी मत खाना, गुरुदेव का प्रसाद है।
कभी कभी थोड़ा भुने हुए चना चबा लेना, शाम को एक मुट्ठी चना चबाया करो, उससे रात में तुम्हें लघुशंका नहीं लगेगा, बहुत फायदा होगा। थोड़ी सी गुड़, देसी गुड़ के साथ चना चबा लो, ऊपर से आधा गिलास गरम गरम दूध पी लो, आधा गिलास दो गिलास नहीं, मलाई वाला नहीं, मलाई अपनी वाइफ को खिलाओ ऊपर से उतार के, ताकि रात भर ये मलाई में पड़ी रहे, खुश रहे कि मेरा पति मलाई खिलाता है, सादा दूध पीता है, और जो ज़्यादा मलाई खाएगा ना उसकी खोपड़ी भी मलाई हो जाएगी, दिमाग काम नहीं करेगा। और मैं स्त्रियों से कहूँगा, अपने पति को कम खिलाओ, इनको ज़्यादा मत परोसो। कितनी स्त्रियाँ सोचती अपने पति को जितना ज़्यादा खिलाऊंगी ये पहलवान हो जाएगा, पहलवान नहीं होगा ये कोल्हू का भेलन हो जाएगा। ये फूटी ढोल की तरह पड़ा रहेगा। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, आज के मुख्य अतिथि को दो मिनट बोलने का मौका दे दूं क्या? धन्यवाद दे दें सबको, सबकी इच्छा हो तो दे दूं, दे दूं, दे देता हूं। आओ बैठ जाओ थोड़ा सा, हाँ यही बैठ जाओ, फिर बताएंगे बाकी लोग, तो नीचे उतर जाओ, नीचे 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 उतर जाओ, नहीं जादू लग जाएगा, उतर जाओ, वो सब बन जाएगा। बोलो सदगुरु भगवान की जय। फोटो खींचना होगा तो यहाँ से खींचना, आगे से यहाँ से आ जाना। साहेब बंदगी बोलो, एक चेला बना लिया अपना। अब एक वो जल पिलाएगा और ये चेला दूध पिलाएगा। एक चेला और बुला लेता हूँ, उधर राज वकील आ जाओ, ये क्या पिलाएगा, ये तो शरबत पिलाएगा। ये महाभक्त हैं हमारे, आजमगढ़ से आए हैं, वकील हैं आजमगढ़ के कोर्ट में, और इतने परम भक्त हैं, प्रयाग में कुंभ में मिले थे तब से ये महाभक्त बैठे हैं, अभी भी रचे, बहुत अच्छे वक्ता है। बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया था आजमगढ़ में इन्होंने अपने गांव में, कौन गांव? इनके गांव गांव का नाम भी बहुत अटपटा है, क्या है? नौ बारा देवारा जदीर किता हुआ। किता हुआ, हाय बुआ क्या हुआ, अव्वल प्रथम और आगे है अव्वल। क्या बात, मैं उसके गांव का नाम याद ही नहीं कर पाया, बहुत लंबा है। धन्य हो प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हो दशरथ अजीर बिहारी। पहले महिलाएं गाएंगी, पुरुष चुप रहेंगे, इनकी आवाज देखो महिलाओं की कैसी है, गाइए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल, बहुत सुंदर, पुरुष गाएंगे महिलाएं चुप रहेंगी, गाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव
पुरुषों के गला में ऐसा लग रहा कुछ फंसा है, पता नहीं क्या खाया है। ये खाते भी बहुत हैं, पान पुड़िया खा लेंगे, तम्बाकू भी खा लेंगे, पान मिल जाए खा लेंगे, कुछ ना मिले थोड़ी मिट्टी उठा के खा लेंगे, नशा वशा करते रहते हैं। महिलाएं कोई नशा नहीं करती, इसलिए आवाज़ अच्छी है। एक बार महिलाओं का फिर से फर्स्ट सेकंड करना है, देखते हैं कौन फर्स्ट सेकंड है। गाइए, मंगल भवन अमंग मंगल भवन पुरुष सब ललचा रहे हैं, सोच रहे हैं इतनी मीठी आवाज है इनकी, फिर मन में ये भी सोच रहे हैं गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दे देना कि यही आवाज घर में भी निकलनी चाहिए। अब पुरुष गाएंगे, सब गला ठीक कर लो अपना। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन पीछे वाले तो गाते हैं कि रोते हैं कुछ समझ में नहीं आता। भाव से गाओ, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी मंगल भवन अमंगल हार, जय 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 वाह। माता बहन पुरुष बंधु सब मिलकर गए, मंगल भवन अमंगल जय 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 गुरुदेव तुम्हारी मंगल भव। इसे बाराबंकी का गला अन्य जिलों से कुछ अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अच्छा है इसलिए अच्छा है। कारण क्या है? यहाँ के लोग आलू बहुत बोते हैं, आलू से गला ठीक हो जाता है। यहाँ के लोग पिपरमिंट भी बोते हैं, उसकी खुशबू नाक में घुस जाती तो गला को साफ करते हैं। यहाँ के लोग अफीम भी लगाते हैं, तो कभी कभी थोड़ा ले लेते हैं एक गोली। बाराबंकी में बहुत अच्छी अच्छी फसलें होती हैं, खेती बाड़ी में उत्तर प्रदेश में बाराबंकी का शायद प्रथम स्थान है, बहुत अच्छी खेती है। जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, लाइफ गार्ड एडवांस श्री च्योन आयुर्वेद के सेंटर से खरीद लेना, जिंदगी भर पीना, कोई बीमारी नहीं आएगी, एडवांस कंट्रोल करेगी। जिनके घुटनों में दर्द है इनार्ट पाउडर ले लेना, राइट किंग तेल ले लेना, और जिनके एलर्जी बहुत होता है पंच तुलसी ले लेना, पांच बूंद गर्म पानी में डालकर सुबह पी लेना, आपको एलर्जी किसी प्रकार की नहीं होगी। और जो लोग बिना दवा अच्छा होना चाहते हैं वो एक ही काम करना, सोकर उठना, तो पहले तो हंसना जोर से है। मैं हंसता हूँ सोकर उठता हूँ तो साधु लोग आते तो उनके साथ हंसता हूँ, तो साधु को भी आश्चर्य होता, खाम खा ही गुरुदेव क्यों हंस रहे। कि मैं इसलिए हंसता हूँ कि रिचार्ज कर रहा हूँ बाटी को, और मैं आपको भी सिखा रहा हूँ कि हंसना आपका कम नहीं होना चाहिए, खुश रहना कम नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां तो विपरीत हो सकती हैं, स्थिति थोड़ा बिगड़ सकती है, कंडीशन पोजीशन सिचुएशन
थोड़ा आपकी विरोध में आ सकती है, लेकिन आप हंसी खुशी अगर बनाए रखोगे तो एक दिन रिजल्ट आपके पक्ष में ही आएगा। हंसी खुशी बनाकर अब मैं कहूँगा, श्री राजू भैया MLC तुम्हारे लाडले और हमारे प्यारे, दो शब्द बोलकर 2 मिनट सबको धन्यवाद देंगे, साधु संतों को भी धन्यवाद देंगे, श्रोताओं को भी धन्यवाद देंगे। यदि उनमें शक्ति भक्ति युक्ति उत्पन्न हो जाए तो राजू भैया अपने गांव बोहैया में या जहां इच्छा हो वहां एक बार सत्संग और भंडारा धूमधाम से उनकी ओर से हो और पूरे लोग आकर के डुबकी लगाएं और राजू भी भक्ति में डूब जाए। परम पूज्य राष्ट्रीय संत श्री असंग देव महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ एवं सामने हमारे इस क्षेत्र के आए हुए सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि महाराज जी के आशीर्वचन को सुनने के लिए इतने अपार जन समूह में आप आए हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी विकास खंड का निवासी हूँ। मेरा घर भी यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है जो मेरा गांव है। महाराज जी के साथ आए हुए पूरे साधु संतों को, जितनी पूरी टीम है, मैं उनका अपनी सरजमीन पर देवा महादेवा की पवित्र धरा पर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई श्री सरवन यादव जी को, जिन्होंने आप जैसे महापुरुष को हमारे यहाँ बुला करके हमको ही नहीं बल्कि पूरी सम्मानित जनता का आपने जो सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए भाई सरवन यादव जी को और उनके समस्त परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने राष्ट्र संत जी को, जिनके बारे में मैं सुन था, मैं वास्तव में पहली बार आज मिलने का मुझे अवसर मिला है। पिछली साल मुझे 21 तारीख को गुरु जी से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ आपका आशीर्वचन लेने का मुझे अवसर मिला, लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं आ पाया। उसी दिन मैंने कहा था गुरु जी से कि आप मेरी सरजमीन पर आ रहे हैं, इससे ज़्यादा मेरा सौभाग्य कोई नहीं होगा। आपसे मुझे मिलने का जो अवसर मिला है, वास्तव में देश और दुनिया को यदि कोई संदेश दे रहा है तो आप जैसे महापुरुषों को इस देश को ज़रूरत है, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें हर क्षेत्र में लोग तो जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में समाज के लिए यदि कोई सोच रहा है तो वो जिनको अपने से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ समाज के लिए बोलते हैं, समाज के लिए करते हैं, ऐसे महापुरुषों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। एक बार पुनः आप हमारे यहाँ आए, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाराबंकी में आपके बहुत भक्त मैंने देखे हैं, उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड से बुंदेलखंड, गाजियाबाद से गाजीपुर, ये तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ है। काफ़ी प्रदेश में मुझे संगठनात्मक तौर से जाने का अवसर मिला, मैं जब विधायक नहीं बना था उसके पहले भी जाने का अवसर मिला। आपके बहुत जगह पोस्टर, मध्य प्रदेश का मैं चुनाव का इंचार्ज था, मध्य प्रदेश का जो हमारा बुंदेलखंड का एरिया है आपके बहुत पोस्टर मैं देखता था। निर्वाचन में मैं 3 महीने मध्य प्रदेश रहा, उस तब तो मैंने फोटो में देखा था। आज मुझे, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने महा राष्ट्रीय संत के सामने मुझे बोलने का अवसर मिला है, मैं भी धन्य हुआ। आपका आशीर्वाद पाकर के एक बार फिर बारंबार प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर विनोद हैं मुख्य आयोजक, मुख्य आयोजक हमारे विनोद यादव जी हैं, जो सरवन भैया हमारी पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए उनसे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ये उनके भाई ही हैं, इनका भी मैं बारंबार
पूर्वक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गुरुजी आपने इनको दीक्षा दिया है, मैं भी बहुत जल्दी आपके शरण में तो मैं हूँ ही, जब आपका आदेश होगा मैं तब आपके यहाँ हाजिर हूँ। प्रवीण जी महाराज जी से मेरी बात होती रहती है, आज वो नहीं है यहाँ, लेकिन मैं बात करके लखनऊ से जब चला तो मैंने कहा मैं गुरु जी से मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप आइए, आपका स्वागत है। यहाँ आकर के पता चला वो है ही नहीं, क्योंकि लेकिन आपका आशीर्वाद मिला। फिर से एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। राजू भैया को व्यास गादी शुभकामना कर रही है, वे अपने लक्ष्य में निरंतर आगे बढ़ें, और आप लोग कहें तो उनको एक माला पहना कर आशीर्वाद दे दूँ। दे दूँ मैं एक माला पहनाऊँगा, एक नहीं है, इनको पूरे उत्तर प्रदेश में 1,00,000 माला पहनाए जाएंगे। धन्यवाद है। आवाज़ भी बुलंद है उनकी, उम्र भी नई है उनकी, और बुद्धिमान भी है, और श्रद्धा भी है, आस्था भी है। धन्यवाद है। और मेरे लिए दक्षिणा भी लाए हैं कि गुरुदेव आपके लिए बंद लिफाफा है, खोलना मत, चुपचाप रख लेना। प्रणाम, बैठना। और मैं कहूँगा, हमारे एक भक्त हैं एडवोकेट आजमगढ़ के, और हमारे डॉक्टर विनोद दो शब्द गुरु के बारे में बोलना चाहते हैं। गुरु को क्या मानते हैं ये वही जानते हैं, वो पति पत्नी गुरु में क्या रूप देखते हैं, उनकी श्रद्धा को तो मैं यही जान पाया आकर के। ऐसे मिलते बहुत समय से थे, मैं नहीं पहचान पाया था उतना, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला विनोद की समुद्र की गहराई नापना आसान है, पर विनोद की श्रद्धा की गहराई नापना कठिन है। बहुत ज़्यादा परम पुंज गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं अपने माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ। आए हुए जन समूह, अपार जन समूह को मैं धन्यवाद देता हूँ। माइक नज़दीक कर लो। मैं आए हुए जन समूह को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना मेरा प्यार दिया है, और मेरा जो है मनोबल को बढ़ाया है, मेरे मनोबल को बढ़ाया है, और गुरु जी के चरणों में इतना बड़ा स्नेह ला कर के दे दिया कि गुरु महाराज हमारे इतने प्रसन्न हुए कि आप लोगों का स्नेह और प्रेम देख करके ऐसा लगा कि यहाँ पे अपार जन समूह के द्वारा लग रहा है कि मेरा जो है लग रहा है कि महान खुशी है, गुरुदेव जी को भी खुशी है कि बाराबंकी ज़िले का गौरव बढ़ा है, और हमारे ग्राम खरियानी का भी नाम रोशन हुआ है। आगे ये बात कहना चाहता हूँ, आए हुए मेरे भक्त प्रेमी देशवासी क्षेत्रवासी ग्रामवासी और मेरे मित्रगण रिश्तेदार सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, और जो भी हमारे जो सहयोगी दान देने वाले लोगों को मैं जो दिया है नहीं दिया है उनको सबको सौभाग्यपूर्वक सादर प्रणाम अभिनंदन करता हूँ। और परम पूज्य गुरुदेव का जो आशीर्वाद मिला है, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, हम यही आशा करते हैं कि मेरे गुरुदेव जी बहुत महान हैं, इनकी तुलना भगवान से की जाती है, भगवान समान हैं, हम इनको भगवान के तरीके से इनको मानते हैं, और ये सब इनका आशीर्वाद हमें बहुत फलीभूत हुआ है। गुरुदेव जी का आशीर्वाद जब से हमें मिला है हमें कोई तरीके की परेशानी नहीं हुई है, जब से गुरुदेव जी हमारे सर पे हाथ रखे हैं, आशीर्वाद दिया है, बहुत हमें इसका लाभ मिला है, और उनका आशीर्वाद हम आशा करते हैं ये आशीर्वाद बना रहे, मेरे आए हुए भक्तों को भी गुरु जी का आशीर्वाद मिले, ये आशा के साथ यहाँ पर। जय गुरुदेव। जय गुरु। सबके मन में करुणा पैदा कर दिया, कोमल कर दिया सब। ये उनकी पत्नी श्रीमती रामावती देवी हैं,
और यहीं बैठ जाओ, वहाँ दोनों लोग वहाँ पे बैठ जाओ। हाँ तुम भी बैठ जाओ। अब हमारे एक भक्त दो शब्द आपके लिए कहना चाहते हैं। श्री उदयराज सिंह एडवोकेट वकील साहब आजमगढ़ वाले, आइए इधर से बोल दीजिए। ये बहुत ही महान है, ये भी प्रेम से बैठना। अभी और 5 मिनट में प्रवचन सुनाऊंगा। कोई ये मत सोचना कि इनके भक्त के दिल का भाव व्यक्त कर रहे हैं। आराम से बैठो, अभी प्रवचन और 10 मिनट करूंगा। आज इस नवंबर माह की 9 तारीख के पवित्र माह में इस उत्तर प्रदेश की अवतारी धरती पर पधारे हुए हमारे श्री असंग साहब के चरणों में उत्तर प्रदेश ही नहीं विश्व की सरजमी पर प्रणाम करता हूं। और आज इस खरिहानी गांव के खरिहानी गांव में हमारे बड़े भाई विनोद कुमार जी, श्रवण कुमार जी, दिनेश कुमार जी, उनके परिवार के लोगों द्वारा और उनके पिता श्री गया प्रसाद जी के अथक प्रयास से, गुरु की कृपा से इस जनमानस जन समूह को देखकर मुझे अपार खुशी हो रही है कि अब वह दिन दूर नहीं है जो आध्यात्म से प्रत्येक व्यक्ति ने जुड़ेगी। वह दिन दूर नहीं है कि आध्यात्म की गंगा इस बाराबंकी में ही नहीं विश्व की सरजमी पे बहेगी, विश्व की सरजमी। साथियों, प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरा पांडाल, मेरे संतों का पांडाल छोटा पड़ गया। वाह रे बाराबंकी के सरजमी के भक्तों, आपने ऐसा प्रदर्शन किया कि विश्व स्तर पर इतिहास बनेगा। बाराबंकी बहुत महान धरती है, ये वैसी तैसी धरती नहीं है। यहाँ जो है आपके बगल में शारदा नहर है, शारदा नहर है, जहाँ गुरु जी का उसके तट पर प्रवचन हो रहा है, ऐसी जगह है। और दूसरी महान चीज है कल्याणी नदी, जो जुगों जुगों से बह रही है, लेकिन इस जनमानस का कल्याण नहीं हो पाया। उस नदी से इस जनमानस का कल्याण नहीं हो पाया, तब हमारे विनोद भाई ने इलाहाबाद में कुंभ की धरती पर ऐलान कर दिया माननीय राष्ट्रपति महोदय के आगमन पर कि मैं बाराबंकी में श्री असंग महाराज को कल्याणी नदी के किनारे तट पर अमृत की वर्षा करूंगा, अमृत की धारा बहाऊंगा। इस बाराबंकी नहीं, उत्तर प्रदेश का कल्याण करूंगा, उत्तर प्रदेश का कल्याण। आज हमारे गुरुजी अपने संत समाज के साथ, संतों के समाज के साथ आए हुए हैं। मैं इस बाराबंकी खरिहानी गांव में जन जन के तरफ से इनके चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करते हुए इस सर कार्यक्रम में भाग लेने आए हुए, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे पुलिस विभाग के लोग हों, चाहे हमारे ये मीडिया विभाग के लोग हों, चाहे माताएं बहनें हों, वाह रे बाराबंकी, इतिहास कायम कर दिया। अब प्रेम की गंगा यहां से निकलेगी। 2 लाइन, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, मेरे गुरुवर का नहीं का
काम है इंसान का इंसान से हो भाई चारा। राह में आवे जो दीन दुखी सबको गले से ले गाते चले। बारह बंकी नहीं उत्तर प्रदेश नहीं विश्व में शांति का झंडा लहराते चले। विश्व शांति का झंडा लहराते चले। मैं मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि उनके साथ आए हुए वर्मा जी सभी के चरणों में सभी लोगों का नमन वंदन करते हुए गुरु जी से आशीर्वाद चाहते हुए मैं राजू भाई को बता देना चाहता हूँ कि दत्तात्रेय दुर्वासा की पावन सरजमी पर ऐसी गंगा बहेगी गुरु की कृपा से आपको वहां मैं निमंत्रण देता हूँ उसमें नहाने आपको आना पड़ेगा मेरा छोटा भाई राकेश उर्फ गुड्डू जिसको आप जानते होंगे वह मेरा छोटा भाई है। वह भी एमएलसी है देह में बहुत मोटा है लेकिन बहुत छोटा है। वह भी मेरा भाई है मेरा गांव वही है देवारा कदीम। और राकेश कुमार उर्फ गुड्डू से पूछ लीजिएगा उधर आज ने एक बीड़ा उठाया है गुरु को लेकर कि दत्तात्रेय दुर्वासा की धरती पर अपार जन समूह के साथ अम्र की वर्षा हमारे गुरुजी पुनः करने जाने वाले हैं। अभी 27-28 मई को हमारे कमिश्नर से लेकर तीन जिले हैं हमारे मंडल में सारे लोग 48 घंटा गुरुजी के सेवा में लगे रहे चाहे वो पुलिस विभाग के जीआईजी आईजी क्यों न हो यशो क्यों न हो बीड़ी सुरती पान पुकार पर रोक लगा दिया गया था हर मोड़ पर व्यवस्था हो गई थी। ये सारी जो हुआ काम ये गुरु की कृपा से हुआ हम लोगों की कोई उसमें योगदान नहीं। मैं पुनः सभी लोगों के चरणों में नमन वंदन करते हुए एक निवेदन करना चाहूंगा कलयुग में यदि सतयुग लाना है तो ऐसे सच्चे गुरु को पकड़ लीजिए और वह दिन दूर नहीं है जो राम कृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश कही जाती है जहां प्रातः काल उठी रघुनाथ था माता पिता गुरु नाम महिमा था वो दिन दूर नहीं है। कले कले समाप्त हो जाएंगे सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी वारे बारे बार की धरती। और मैं डॉक्टर विनोदी को गुरु के आदेशानुसार एक माला नहीं हजार मारा बारह बंकी की तरफ से उत्तर प्रदेश की तरफ से पहनाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि ये ऐसे महान व्यक्ति जो हम लोगों को उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और बिहार की धरती से सारे जनमानस को गुरु की कृपा से बुला लिए और सबकी सेवा में लगे हुए हैं। सेवा करने वाला ही महान होता है। हम तो माल चक के चले जा रहे हैं लेकिन व्यवस्था तो डॉक्टर साहब को करना है। ये कितने महान हैं भगीरथ ने तो गंगा को लाकर धरा पर इसे पवित्र करने का काम किया और दूसरे भगीरथ गुरु की कृपा से हमारे डॉक्टर विनोद जी हैं श्रवण जी हैं दिनेश जी हैं गया प्रसाद जी हैं जिन्हें ऐसे पुत्र का जन्म इस बाराबंकी के खरियानी गांव में देकर किया है। मैं पुनः ज्यादा न कह के गुरु जी से सबके चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए गुरु जी पर दो लाइन है मेरा तार हरि संग जोड़ ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि संग जोड़ ऐसा कोई संत मिले तो मैं मिले जाऊं संत मिले तो मैं मिले जाऊं संत न मुझे से न्यारे ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि संग जोड़ ऐसा कोई संत मिले
मैं श्रवण जी को भी चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ। सारे लोग जो इस कार्यक्रम में आए हैं सबके चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए अगर कोई गलती हुई होगी तो क्षमा करिएगा और गुरु जी को पकड़े रहिएगा। अभी गुरु जी सुना रहे थे कि नाय और पतवार सब कुछ ही है तो कुछ खोजना नहीं, कुछ नहीं खोजना है। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, दो पाटों के बीच में साबुत बचे न। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोल, दो पाटों के बीच में साबुत बचे न कोई। चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए, अकील सहारा जोकरे गुरु सहारा जोकरे ताको खाल न। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे के बता दिया कि धर्म पे राह पर सभी राजनेताओं आ जाओ, जनता का कल्याण तभी होना है जब आप अध्यात्म में गुरु से जुड़ोगे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं है। उनका फैसला सिद्ध कर दिया, धर्म की राह के चलने वाले का कभी कुछ नुकसान होने वाला नहीं। जय हो जय हो जय। मैं गुरु के चरणों में डूब करते रहूं, बड़े बड़े तो उड़ जाएंगे धूप रहेगी, तो भाई धूप बन के गुरु जी के चरणों में रहना है और आध्यात्म की गीत गाना है। भारत और विश्व में शांति की बहुत ही जल्द होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। बोले श्री सिंह महाराज की, बोले श्री क्षमादेव महाराज की, श्री गुरु मंदेव जी की, कबीर साहब की, डॉक्टर विनोद जी की, बाराबंकी की। मैं गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, नमन करता हूं। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। गाइए। हाँ बैठो, आरती होगी। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। आज का दिन बहुत सुहावना है, दो दिन का समागम जोर शोर से धूमधाम से संपन्न हो चुका है, आरती का समय आ चुका है। हमारे महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन तीर्थ स्थान में बहुत सुंदर रमणीक आश्रम बनने जा रहा है, जिसके लिए पर्चे आपको दिए जा रहे हैं। पर्चों को पढ़ना, नाम पता लिखना, मोबाइल नंबर लिखना, सारणी में टिक लगाना और वहां जमा करना आपके भी जीवन की कमाई का एक बूंद महाकालेश्वर के चरणों की सेवा में लगे, ऐसा पुण्य आपको प्राप्त हो। और सभी श्रोताओं को धन्यवाद देते हुए, बच्चों को पर्चा बिल्कुल मत देना, बच्चे पर्चा मत लें, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये केवल समझदारों के लिए है। बच्चों को दीजिए भी मत और लीजिए भी मत। अब आरती का समय आ चुका है, आप हमारे राजू भैया भी व्यास गादी पर आ जाएं, आदर्श पटेल भी व्यास गादी पर आ जाएं और आयोजक मंडल व्यास गादी पर आ जाएं। अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा से हाथ जोड़कर आरती करने के लिए, आरती का पुण्य प्राप्त करने के लिए ताली बजाते हुए आरती कीजिए। आरती में सम्मिलित होने से घर में भूत प्रेत बाधा बला का प्रभाव खत्म हो जाता है, घर में सुख शांति आती है। कोई 5 मिनट जाएंगे नहीं, आरती का पुण्य प्राप्त करेंगे। आइए, तो समय निकल गया। ओ
वस्त्र दान भी हमारे लिए आया है, ले लो, स्वीकार कर लो। एक कंबल है, एक कंबल रजाई है, एक शाल है, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ताली बजा दो, ये हमें दान के रूप में मिल रहा है। ये कंबल मैं अपने गुरु महाराज को ओढ़ाऊंगा और शाल मैं ओढ़ लूंगा। अब और संतों के लिए दान है, संतों के लिए गमछा है, सभी संतों के लिए। और देखो कितना बढ़िया मौसम के हिसाब से दान रजाई है, अगर इस महीने में कूलर दे दे तो क्या मतलब। और ये गुरु जी के लिए दक्षिणा की गाड़ी से आए हो, डीजल डाल लेना थोड़ा मेरे भक्त की ओर से। और ये दक्षिणा 11,000 यानी 11,000 रुपये दक्षिणा गुरु जी को प्रदान की गई है। और ये संतों के लिए दक्षिणा हमारी जितनी मंडली है, ये 25 महात्मा हैं, उनको 5100 रुपये दक्षिणा प्रदान की गई है कि तुम भी अपनी बोलेरो गाड़ी में डीजल डाल लेना, ये संतों की व्यवस्था है। और हमारे विनोद कुमार, श्रीमती रामावती देवी, गया प्रसाद यादव खरिहानी, आपने उज्जैन आश्रम के लिए 42 स्क्वायर गज भूमि के लिए 21,000 रुपये दान देने का संकल्प लिया है। MLC के करकमलों द्वारा अपना सम्मान पत्र प्राप्त करें, ताली बजाते हैं, आइए। सुजीत कुमार, ज्योति देवी मौर्या, बहरौली बाराबंकी से, आपने भी 21,000 रुपये उज्जैन आश्रम के निर्माण के लिए देने का संकल्प लिया है, आइए अपना सम्मान पत्र लीजिए, जिसका नाम बोला जाए दौड़ के आओ। बालता प्रसाद, श्रीमती दीपमाला देवी वर्मा, आप वाराणसी से, आपने 11,000 रुपये देने का संकल्प लिया है, दौड़ कर आइए, ये दीजिए, ये आ गए। देखिए दानियों की कमी हमारे देश में नहीं है। हरिद्वार कुंभ मेला के लिए राजेश कुमार चौहान, 2.5 क्विंटल चावल, 2.5 क्विंटल गेहूं। हरिद्वार में जो कुंभ मेला 2022 में आने वाला है, वहाँ 1,00,000 तीर्थयात्रियों का भंडारा प्रतिदिन आपके कैंप में चलेगा, जिसके लिए आपने 5 क्विंटल अन्नदान देने का संकल्प लिया है। राजेश जल्दी आए, ये बालता प्रसाद का। श्री उदयराज यादव, फूलमती देवी एडवोकेट आजमगढ़, आपकी ओर से 10 स्क्वायर गज भूमि के लिए 5100 रुपये प्रदान किए गए हैं, ये सम्मान पत्र आप दीजिए। हाँ इन्हीं का है, ये राजेश को दीजिए। ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव जी, हौसला प्रसाद श्रीवास्तव, धनवलिया बाराबंकी, आपने 2100 रुपये नगद संकल्प लेने का काम किया है, आइए। रज्जन लाल यादव जी, ज्वाला प्रसाद यादव, लखनऊ जिला रायसिंहपुर, आइए, आपकी ओर से 5100 का संकल्प उज्जैन के, ताली बजा दिया करो सम्मान। अखिलेश कुमार, अभय कुमार जी, आपकी ओर से 1100 रुपये नगद प्रदान किए गए हैं उज्जैन के लिए। राम नारायण जी, लज्जा देवी बाराबंकी से, सेमरी गांव, आपकी ओर से 1100 रुपये नगद। राम नारायण शिक्षक, आइए। और ये पर्चे संभाल कर रखना, पढ़ना, बाहर भरना, वहाँ कार्यालय में जमा करना, 6 महीने बाद भी आप अपना योगदान कर सकते हैं, उधार भी रख सकते हैं और नगद भी कर सकते हैं, ताली बजा दी जोरदार। ये सब दानियों का सम्मान हो रहा है, आरती बहुत सुंदर होगी, मधुर मधुर ताली बजाते हुए आरती का पुण्य प्राप्त करेंगे। आरती का शुभारंभ करें, आरती शुरू करें।
करो सतगुरु साहेब की आरती करो सतगुरु साहेब की जहाँ सब संत समा साहेब आरती हो जहाँ सब संत समा साहेब आरती हो आरती दीन दया साहेब आरती हो आरती करे गुनिवार साहेब आरती हो परस गुरु चरण शरण भयो परस परस गुरु चरण शरण टूटी गयो यम की जा साहेब आरती टूटी गयो यम की जा साहेब आरती आरती साहेब आरती हो आरती दीन दया साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संतन की कृपा भया हो परक परका साहेब आरती भया हो परक परका साहेब आरती हो आरती करीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो बोली सतगुरुदेव की जय। हेलो बोली सतगुरुदेव की जय। सभी श्रोतागण अपने अपने स्थान पर आरती जिनके हाथ में है आरती नीचे रख दीजिए और बैठकर गुरुदेव जी को बंदगी करें। सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीछे भी बढ़ जाए ताकि आपको बंदगी करने में